हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एग्जाम्पोर डिफेंस वॉरियर के इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को जैसा आपने थंबनेल पर देखा था ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे

ओके okay, तो यहां मैं देख पा रहा हूं सुमन कुमार महेश कुमार गोलू यादव रोहित पाल दिव्यांशु पांडे और और दिव्यांशु पांडे ओके okay, okay, तो सभी को नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार ओके okay, चलिए तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों जिस टॉपिक के नाम के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं वो है हमारा ज्वालामुखी टॉपिक कौन सा टॉपिक ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था लेकिन मैं कल की क्लास के लिए आपसे माफी चाहता हूं कि किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और कल का जो टॉपिक था जिस टॉपिक का नाम था पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ earth. तो कल का ये जो टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये टॉपिक थोड़ा अधूरा बचा था अधूरा कहने का मतलब है कि अचानक से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास ऑटोमेटिक बंद हो गया था तो मुझे लगता है लास्ट का थोड़ा सा इसमें बच गया था तो एक बार मैं इसको रैपिडली इसके बारे में आपको सारी चीजें रिपीट करा दूंगा रिवीजन भी करा दूंगा इसका और जो भी पॉइंट इससे मिस रहे होंगे वो पॉइंट्स को हम अभी यहां पर आपसे देख लेंगे बात समझ क्लियर है और अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए मैं आपके कमेंट भी एक बार देख लेता हूं ओके okay, दिव्यांशु पांडे सर आई एम न्यू स्टूडेंट ओके स्वागत है दिव्यांश आपका ओके नैन्सी शर्मा गुड मॉर्निंग ओके प्रियंका प्रियंका ओके गुड मॉर्निंग बेटा ओके खुश रहिए सभी लोग ओके okay. तपन प्रताप सिंह गुड मॉर्निंग ओके सुब्रत कुमार गुड मॉर्निंग ओके सरवन कुमार गुड मॉर्निंग अनु मुंडा गुड मॉर्निंग दिव्या निषाद गुड मॉर्निंग मंजीत कुमार निशांत चौधरी ज्योति शर्मा ब्रजेश सिंह ओके सुमन okay. कुमार ओके okay. कुशल ओके okay. खुशबू चौधरी ओके गुड मॉर्निंग खुशबू बेटा ओके okay. ओके okay. हिंदुस्तानी सिंह गुड मॉर्निंग सभी तो को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को राम राम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और उस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले तो सबसे पहले आप थोड़ा सा देखेंगे जिस टॉपिक की की बात हम आपसे कर रहे थे कि पृथ्वी आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हालांकि जो भी बच्चे नए हैं वो इस बात को समझ लें कि हम टॉपिक तो ज्वालामुखी डिस्कस कर रहे हैं लेकिन कल की क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक को डिस्कस किया था जो थोड़ा सा अधूरा बच गया था आज हम उसको यहां पर क्लियर किए ले रहे हैं जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में या इसके बारे में इसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी सबसे अच्छी जानकारी सीस्मोलॉजी जिसको कहते हैं या भूकंप विज्ञान जिसको हम कह रहे हैं भूकंप विज्ञान से होती है भूकंप विज्ञान से होती है हमने आपसे कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सबसे अच्छी जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो वो हमें प्राप्त होती है भूकंप विज्ञान जिसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं सीस्मोलॉजी कल की क्लास में, में आपको बताए थे कि भूकंप के आधार पर ही आजकल नई नई खोजें हो चुकी हैं हैं और नई नई चीजों के के आधार पर हम पता कर पा रहे कि पृथ्वी भूगर्भ में क्या है किस तरीके से पृथ्वी के ओके जय महाकाल राधे राधे सर ओके सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को महाकाल राधे राधे ओके चलिए हमने ये बात आपको बताई थी कि इसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है और मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ग्रांट क्या नाम है ग्रांट तो हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक ग्रांट ने इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन रूपों में बांटा था कितने रूपों में बांटा था तीन रूपों में बांटा था जिसको हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं भूपर भूपरपट्टी और दूसरा था जिसको हम कहते हैं मेंटल जिसको हम कहते हैं प्रावार और तीसरा हमने आपको बताया था कोर जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरतम अंतरतम तो मैंने आपको बताया था कि बाय द जियो ग्रांट यानी ग्रांट के अनुसार जो भू आकृतिक वैज्ञानिक हमारे ग्रांट ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन रूपों में बांटा गया जिसमें भूपरपट्टी प्रवार और अंतरतम यह आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए ग्रांट ने क्या किया था उसके आधार पर दूसरी बात इसमें मैंने आपको बताया था कि भूकंपीय तरंगों, सीस्मोग्राफिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों में आई गति भूकंपीय तरंगों में आई विचलन विचलन लिख सकते हैं यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो कि जो भूकंप की तरंगे हैं जो भूकंप की तरंगे हैं उनमें जो विचलन होता है या उनकी गति में जो अंतर आता है उसके आधार पर भी हमने इनको अगेन तीन पार्टों में बांटा था और वो अगेन तीन पार्ट कौन कौन से थे थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि वो अगेन तीन पार्ट कौन से थे तो हमने आपको बताया था कि क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया गया वो बांट दिया गया अपर क्रस्ट यूसी और लोअर क्रस्ट एल सी मेंटल को भी बांट दिया यूएम UM, अपर मेंटल एल एम यानी लोअर मेंटल और कोर को भी दो भागों में बांट दिया आईसी यानी इंटरनल कोर और ओसी यानी आउटर कोर ये भूकंपी तरंगों में आई गति के आधार पर गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट ऑलरेडी डिवाइडेड इन टू पार्ट अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट ऑल्सो मेंटल डिवाइड इन टू पार्ट एंड कोर डिवाइडेड इन टू पार्ट डिवाइडेड इन टू पार्ट अपर कोर एंड और अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट ओके मेंटल डिवाइडेड इन टू पार्ट अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल कोर डिवाइडेड इन टू पार्ट इंटरनल कोर एंड आउटर कोर यानी आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम ये उच्च प्रभार और ये निम्न प्रभार और ये उच्च भूप्रपटी और ये निम्न ये बात मैं आपको कल भी समझा चुका था बात क्लियर है लेकिन ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि ये बात किसने बताई है तो ये बात वैज्ञानिक ग्रांट ने बताई है बाई द जियो ग्रांट ग्रांट के अनुसार ये सारी सारी बातें हैं है। ओके ओके सर रवि सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है गुरु जी कृपया करके बता दीजिए रवि सर की क्लास भी हो रही होगी प्रशांत बेटा और आइडिया नहीं है हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा बहुत जल्दी सर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी तब तक आप जोग्राफी का आनंद लीजिए ठीक है तो ये ग्रांट के अनुसार ये सारी की सारी बातें थी और उसमें हमने आपको बताया था उससे आगे के ग्रांट के साथ साथ ही एक और वैज्ञानिक आए थे जिन वैज्ञानिक का नाम था सुस क्या नाम था सुस तो हमने आपको बताया था कि सुएस ने भी स्वेस ने क्या किया था स्वेस ने बाई केमिकल रासायनिक संरचना रासायनिक संरचना के आधार पर तो रासायनिक संरचना के आधार पर उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डिवाइडेशन किया और इसको भी उन्होंने दो रूपों में बांट दिया नंबर एक श्याल नंबर दो सीमा और नंबर तीन निफे सियाल सीमा और निफे कैसे श्याल में इसमें हो गया ये सिलिका सिलिका ए एल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और सी एस आई का मतलब सिलिका एम ए का मतलब मैग्नीशियम मैग्नीशियम एन आई का मतलब हो गया निकिल और एफ ई -E का मतलब हो गया लोहा यानी फेरस तो बाई द जियोमोफोलॉजिस्ट स्वेस स्वेस ने देखा कि पृथ्वी के पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में कोई एक ऐसी परत है जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो उन्होंने उस परत को नाम दे दिया सियाल परत क्या नाम दे दिया सियाल परत उन्होंने देखा कि सियाल के बाद एक ऐसी परत आ रही है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा है, तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया सीमा नाम दे दिया सिलिका इन एसआई एम यानी मैग्नीशियम सीमा नाम दे दिया उन्होंने देखा कि और अंतर जाने पर किसी परत में निकिल निकिल और एफ यानी फेरस यानी लोहे की मात्रा ज्यादा है तो उन्होंने उसको नाम दे दिया तो प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पृथ्वी को या की आंतरिक संरचना का रासायनिक पद्धति के आधार पर विभाजन किस वैज्ञानिक ने किया तो बेटे ध्यान रखना वो थे स्वयं महोदय कौन थे बेटे स्वयं महोदय आपकी इतनी सी बात समझ में आ रही है तो एक बार यस लिखिए फिर हम आगे बात करते हैं ये मैंने आपको कल बता दिया था लेकिन मैं पूरा टॉपिक रिविजन करा दे रहा हूं ओके कीप साइलेंस प्लीज बस कॉल करके खुद पूछ लो ओके खुशबू चौधरी अरे भाई लोगो रवि सर की क्लास चल रही है चेक कर लो जाके ओके ओके चलिए तो हमने आपसे कहा कि ये सारी सारी बातें हैं यहां पर अब हम अपने टॉपिक को देखेंगे तो ये था स्वेस के अनुसार किसके आधार पर था ये? स्वेस के आधार पर था तो यह था स्वेश के आधार पर था स्वेश के आधार पर हमने आपको इसको विभाजित किया था अब हम एक बार आपको तो समझ लेते हैं हमने कहा कि यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी का कोई भी एक टुकड़ा हम अपने अध्ययन की दृष्टि से ले लेते हैं यह है हमारा सेंटर ऑफ अर्थ यह क्या है हमारा सेंटर ऑफ अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ यानी यह है हमारा पृथ्वी का केंद्र क्या है हमारा यह पृथ्वी का केंद्र सेंटर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का केंद्र तो हमने ये एक चाप पृथ्वी से बाहर निकाल लेते हैं किसके लिए स्टडी करने के लिए तो बस हमने यहां पर ये एक चाप निकाल लिया और ये बना लिया हमने यहां पर अपना एक पृथ्वी का इस तरीके से चाप जो हमने पृथ्वी के अंदर से निकाल लिया तो आप देख रहे थे कि ग्रांट ने पृथ्वी को इसी आंतरिक संरचना को तीन रूपों में डिवाइड किया था और क्योंकि ये, ये पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर तो ये पृथ्वी का केंद्र कितना है तो पृथ्वी का केंद्र है ये छीन किलोमीटर कितना है छ किलोमीटर है ये पृथ्वी का केंद्र बात समझ में आ रही होगी आपकी मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो परत है इसी वाली परत को हम कहते हैं क्रस्ट क्या कहते हैं क्रस्ट और इसी वाली परत को हम कहते हैं मेंटल मेंटल और इसी वाली परत को हम कहते हैं कोर तो क्रस्ट, मेंटल और कोर क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपरपटी मेंटल को इंग्लिश में कहते हैं प्रावार कोर को हिंदी में कहते हैं अंतरतम तो मैंने आपको बताया था बाई द जियो मॉर्फोलॉजिस्ट ग्रांट अर्थ स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स नंबर फर्स्ट क्रस्ट नंबर सेकेंड मेंटल नंबर थर्ड कोर ग्रांट महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन रूपों में बांटा था वे तीन रूप हैं आपके सामने क्रस्ट है मेंटल है और कोर है मेरे दोस्तों बात आपकी यहाँ पे समझ में आ गई होगी मैंने आपको समझाया था कि मैंने आपको यहाँ पे यह भी समझाया था कि भूकंप की तरंगों की गति में आए अंतर के आधार पर ये हमने क्रस्ट ऑलरेडी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स मेंटल ऑलरेडी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स कैसे हमने कहा यहां पर अब हम इसको हटा दे रहे हैं यहां से अब हम इसको यहां से हटा दे रहे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमने आपको बताया था कि ये तो हो जाएगा मैं इसको दे रहा ये क्रस्ट दे रहा ये ये मैं हटा दे रहा हूं और कोर ठीक है मैं हटा दे रहा मैंने हटा दिया अब देखते हैं तो मैंने कहा था कि यह डिवाइड हो गया इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट क्या बोलेंगे अपर क्रस्ट इसको बोलेंगे लोअर क्रस्ट लोअर क्रस्ट हिंदी में बोलेंगे उच्च भूपरपट्टी निम्न भूपरपट्टी और इस मेंटल को बोलेंगे ये भी हो जाएगा अपर मेंटल अपर मेंटल और ये हो जाएगा यहां पर लोअर मेंटल लोअर मेंटल ठीक है और ये भी हो जाएगा इंटरनल कोर इंटरनल कोर और ये हो जाएगा आउटर कोर आउटर कोर बात समझ में आ रही है दोस्तों आप सबके तो पृथ्वी की जो अंदर जब भूकंप की तरंगे जा रही हैं तो उनमें भी क्या आ रहा है अंतर आ रहा है तो उनमें अंतर के आधार पर भी हमने इसको कई भागों में बांट दिया जैसे ये था जीरो से तीस किलोमीटर तक का एरिया ये था लगभग सात सौ किलोमीटर का एरिया ये था उनतीस सौ किलोमीटर का एरिया ये था इक्यावन सौ किलोमीटर और ये है यहाँ पर छः हजार तीन सौ इकहत्तर किलोमीटर पृथ्वी का जीरो से तीस तक पृथ्वी का जीरो से तीस तक जो क्षेत्र चलेंगे उस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं क्रस्ट लेकिन पृथ्वी के ही लगभग पृथ्वी के ही लगभग सात किलोमीटर के क्षेत्र पर अंदर जाने पर लगभग सेवन किलोमीटर अंदर जाने पर एक डिस्कंटीन्यूटी प्राप्त होती है एक डिसकंटिन्यूटी प्राप्त होती है एक ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है जहां पर आकर के भूकंपीय तरंगों में क्या हो जाती हैं भूकंपीय तरंगों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को राम राम अंजलि गुर्जर विवेक राघव नीरज जितने भी हमारे प्यारे दोस्त प्यारे छोटे भाई बहन है सभी को नमस्कार सभी को राम राम आइए सेशन को थोड़ा शेयर करते रहिए सेशन को लाइक करते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं चलिए ओके तो मैंने आपको बताया था कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में भी एक विशेष प्रकार की जिसको असंबद्धता यानी कोन राड डिस्कंटीन्यूटी मैंने आपको इसके बारे में बताया था उसके बाद मैंने आपको इसका नाम बताया था कि इस ऊपर वाले क्रस्ट और नीचे वाले लोअर के बीच में ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं आपको ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये वाला हिस्सा कौन सा है ऊपर ये, ये तो का का तो हो गया क्रस्ट, और नीचे का क्या हो गया मेंटल तो क्रस्ट और मेंटल तो और के बीच में भी एक असंबद्धता है जिसको हमने नाम भी आपको बताया था मोह असंबद्धता इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से इसको ये अरे पूरा चला गया इसको मैं यहां से ये यह हटा दे रहा हूं इतना ये हटा दिया हमने यहां पर और देखते हैं तो मैंने बताया था कि ये जो असंबद्धता है इसको कहेंगे मोह असंबद्धता क्या कहेंगे मोह असंबद्धता इसको हम कहेंगे मोह क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एक प्रकार की डिस्कंटिन्यूटी है उसको कहेंगे दोस्तों मोह असंबद्धता क्या कहेंगे मोह असंबद्धता और आप जानते हैं कि बाई द जो मोर्फोलोजी के अनुसार मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल तो ये जो ऊपरी मेंटल है ये वाली और जो ये ये जो निचली मेंटल है ये वाली इसके बीच में भी यहां पर एक ये डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है यहां पर भी क्या है एक डिस्कटीन्यूटी पाई जा रही है एक यहां पर भी एक असंबद्धता पाई जा रही है जिसको हम कहेंगे रेपेटी असंबद्धता क्या कहेंगे रेपेटी असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता इसको हम कहेंगे दोस्तों रेपेटी डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता इसको हम कहेंगे रेपेटी असंबद्धता क्या कहेंगे इसको हम इसको हम कहेंगे रेपेटी असंबद्धता बात आपको समझ में आ रही होगी और अगर हम बात करेंगे कि मेंटल और जो है हमारा कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता है तो यहाँ पर भी ये भी एक असंबद्धता है इस असंबद्धता का नाम आपको बताया था गुटेनबर्ग असंबद्धता एक वैज्ञानिक थे गुटेनबर्ग इन्होंने इस चीज के बारे में सर्च किया तो गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या था गुटेनबर्ग असंबद्धता और कोर के भी बीच में दो थे तो जिसको हम कहते हैं लेहमेन असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता ले बात क्लियर है तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहां तक आपकी समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करिए एक बार यस लिखिए फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं एक बार कमेंट करिए फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं ये लैपटॉप बंद हो गया देखिए चलिए मैं आपके कमेंट देख लेता हूं ओके आदर्श शर्मा गुड मॉर्निंग सर ओके सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार ओके नीरज ओके गुड मॉर्निंग ओके रीता यादव राम सर जी ओके खुश रहिए ओके दीपक गुप्ता सर व्हाट इज द वर्क ऑफ मोहो बेटा जी मोहो मोहो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही नाम पर उसका नाम रख दिया मोहो असंबद्धता यह केवल एक डिस्कंटिन्यूटी वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र विशेष को उन्होंने बता दिया इस क्षेत्र को पार करने के बाद इस मोहो डिसकंटिन्यूटी को पार करने के बाद भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर आ जाता है गति कम हो जाती है गति बढ़ जाती है यस गुड मॉर्निंग आदर शर्मा कह कोनराड़ असंभदता मोह असंभता रेपेटी असंभता गुटेन वर्ग असंभतता लेह मैन असंभता यही है यस yes. यस yes, आदर शर्मा जी वेरी गुड ओके प्रिंस पांडे क्लियर सर छः क्लास है ओके यस सर सुमन कुमार यस सर गोविंदा पांडे गुड मॉर्निंग जी ओके गुड मॉर्निंग गोविंद जी नीरज क्या बात है आदर्श छागे मेरे भाई ओके okay, विकास यस yes, सर तो यहाँ तक आप सब लोगों का ये क्लियर हो गया था यहां तक आप सब लोगों का ये क्लियर हो गया था जो मैंने आपको बता दिया था अब थोड़ा सा आगे लेके चले करेंगे जो हमारा कल छूटा हुआ था जैसे कभी कभी आपने एक एक इंग्लिश में स्थलमंडल अगर हम आपसे कभी पूछें कि स्थलमंडल या ये क्या होता है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये लिथोस्पियर क्या होता है तो आप कहीं ना कहीं ये शब्द भी देखते हैं कई बार देखते होंगे लिथोस्पियर या स्थलमंडल कई बार आपने लिखा देखा होगा कि स्थलमंडल पर यह घटना घटित हो रही है स्थलमंडल पर यह हो गया हम सब लोग स्थल मंडल पर रह रहे हैं आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का ट्वेंटी परसेंट हिस्सा ही क्या है स्थलमंडल है पृथ्वी का 29% परसेंट क्या है स्थल मंडल है है यानी वाला पार्ट तो आखिरकार है तो क्या है जीरो से तीस तक और यह जीरो से सात सौ तक तो ध्यान रखिएगा ऊपर जीरो से जब हम सौ किलोमीटर तक चल करके आएंगे कितने किलोमीटर तक चल करके आएंगे सौ किलोमीटर तक ये विजिबल है ना कलर जीरो से सौ किलोमीटर तक जब हम चल करके आएंगे दोस्तों तो ये जो सौ किलोमीटर वाला क्षेत्र होगा इतना क्षेत्र इसी क्षेत्र को हम कहते हैं स्थलमंडल यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं, हैं है। है, इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्पियर क्या कहते हैं लिथोस्पियर बात समझ में आ रही है आपके यस जस्ट मैं मेजर आपके एक बार कमेंट देख लेता हूं और हाँ ये रहा ओके दीपक गुप्ता बिकॉज मेरा एस एस बी है भारत से दीपक गुप्ता करें सर एंड एफ टी वी बता देंगे इसके बारे में मैं सी डी एस इंटरव्यू सी डी एस इंटरव्यू के लिए आप सब देख रहे हैं करुणा मैडम आपको इंटरव्यू की तैयारी करा रही हैं आप जो है आई थिंक आप उनका शेड्यूल चेक कर लीजिएगा एक बार करुणा मैडम आपको पूरा एस एस बी इंटरव्यू के बारे में बता रही हैं तो आपको उसके बारे में कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है संतोष सिंह रावत गुड मॉर्निंग सर आधा शर्मा लिथोस्पियर बिल्कुल सही है ओके तो ये जो लिथो स्पियर होता है इसके बारे में अगर आपसे कहें कि धरातल से अगर यहाँ पर हम कहें कि धरातल से धरातल धरातल का मतलब है कि जिस परत पर हम रह रहे हैं और वो परत कौन सी है ये वाली परत ये वाली परत है जहाँ पर हम आपसे रह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि धरातल से 100 किलोमीटर धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई वाले क्षेत्र को वाले क्षेत्र को स्थलमंडल कहते हैं क्या कहते हैं स्थलमंडल कहते हैं तो बात आप हमेशा के लिए आगे समझ लीजिएगा क्या होता है कि धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई वाले क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे? मंडल कहेंगे. क्या कहेंगे 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 बात क्लियर है ओके दीपाली, ओके दीपाली गुड मॉर्निंग सर ओके जयंत मोहित साक्या दीपक गुप्ता ओके तो धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई वाले क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं क्या कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं बात आपकी समझ में आ रही है और ध्यान रखिएगा एक आपने ये, आप यहां तक इसका ले सकते हैं पहले आप यहां तक इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं तो आपने यहां तक और उस शब्द का नाम होगा ध्यान रखिएगा दुर्बलता मंडल क्या होगा दुर्बलता मंडल या जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्पियर एक शब्द आपने सुना होगा जिस शब्द का नाम होता है दुर्बलता मंडल दुर्बलता मंडल इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्थेनोस्फियर एस्थेनोस्फियर तो अगर हम आपसे बात करें कि दुर्बलता मंडल क्या होता है तो ध्यान रखिएगा 100 किलोमीटर के बाद 100 से लगभग 100 से लगभग 300 याद लिख सकते हैं साढ़े तीन के अराउंड में यहां पे लिख सकते हैं 100 से 400 लिख लेते हैं 400 किलोमीटर 100 से लगभग 400 किलोमीटर की गहराई वाले क्षेत्र को गहराई वाले क्षेत्र को दुर्बलता मंडल कहते हैं क्या कहते हैं दुर्बलता मंडल कहते हैं क्या कहते हैं दुर्बलता मंडल कहते हैं यानी एस्थेनोस्फीयर कहते हैं इसको तो पृथ्वी से कि 100 किलोमीटर से लगभग भाई जीरो से 100 तक का क्षेत्र क्या कह रहे हैं लेथोस्पियर स्थलमंडल कह रहे हैं और 100 से लगभग 400 तक किताबों में अलग अलग किताबों में अलग अलग डिजिट दे रखे होते हैं तो इसको लेकर के आपको अपने दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है क्योंकि कोई भी पृथ्वी के अंदर चार किलोमीटर की गहराई तक तो पहुँचा नहीं अभी तक सब के अपने सब अपने एज्यूम है सबके अपने अपने अंदाज़ा है तो जिसका जैसा ज़्यादा सटीक है हम उसी को ज़्यादा मान लेते हैं तो लगभग सौ से चार किलोमीटर जब अंदर जाएंगे ये सात सौ है तो मान लेते हैं चार तक का ये जो क्षेत्र है इज एज दुर्बलता मंडल तो क्या आपको स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल यानी कि लिथोस्पियर और एस्थेनोस्पियर ये दोनों चीज अगर आपकी समझ में आई हैं तो एक बार यस लिखिए फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं जीरो से सौ तक का क्षेत्र स्थल मंडल और 100 से लगभग 400 तक का क्षेत्र दुर्बलता मंडल अगर ये आपकी समझ में आया तो कमेंट करेंगे फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं <coughs> सूर्या जी गोंडा वाले ओके गुड मॉर्निंग सर ओके सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार दीपक गुप्ता भाई देखूंगा ये भी देख लू आठ नवंबर को सी डी एस टू भी है वेरी गुड okay, आदर शर्मा ओके okay, सर अगर क्वेश्चन में आए 400 पे टिक करके आए बिल्कुल सही है बेटा सीनू गुप्ता बिल्कुल सही है आपको 400 क्लिक करके आना है सुमन कुमार यस सर और हालांकि पेपर में ध्यान रखिएगा कभी भी बेटा डायरेक्ट डिजिट को लेकर के प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है ओके प्रियंका प्रदर्शनी क्लियर सर विकास कुमार यस सुमन कुमार यस निवेदिता सिरोहीस राजकुमार ओके तो कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर यह बात समझ में आ गई है अब हम आगे बात करेंगे अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ से थोड़े बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं क्रस्ट मेंटल कोर से भी लेकर के थोड़े बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीज़ों को लेकर के चर्चा कर लेते हैं और हम सब आगे बात आपसे करेंगे ये असंबद्धताएँ मेरे भाइयों ध्यान रखना ये असंबद्धताएँ आपको जरूर याद कर लेनी है जिसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोनराड असंबद्धता कहाँ पर है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए ये सारा का सारा जो भी हमने आपको बताया कोनराडा असंबद्धता को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है मोह असंबद्धता को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है रेपेटी असंबद्धता को लेकर के गुटेन वर्ग असंबद्धता को लेकर के लेहमैन असंबद्धता को लेकर के आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप सभी लोग इन पांचों असंबद्धताओं दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूट इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑफर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये पांच प्रकार की असंबद्धताएं पाई जाती हैं पांच प्रकार की डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है तो इन पांच प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को आप अपने जहन में उतार लेंगे याद कर लेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्रस्ट यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता है तो आंसर आ गया कोनराड असंबद्धता है उसके बाद क्रस्ट और लोअर के बीच में यहां पर यह कौन सी असंबद्धता है तो आंसर आ गया मोह असंबद्धता है मेंटल ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है तो आंसर आ गया रेपेटी है और मेंटल और कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता है तो आंसर आ गया गुटेनबर्ग असंबद्धता है और इसमें कोर में भी आंतरिक कोर और भाई कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता है तो लेहमेन असंबद्धता है यह चीज हमारी यहां पर क्लियर हो गई है ओके 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 मोहित सर आपका मोबाइल नंबर मिलेगा वाई वा बहुत बढ़िया मोबाइल नंबर का क्या करेंगे मोहित जी फेसबुक है फेसबुक मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं अनुपम भारद्वाज के नाम से फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं आप और ठीक है ओके चलिए तो यहाँ तक ये बात एकदम से क्लियर है अब हम आगे बात करेंगे तो अब जरा मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ या मैं सीधा पी पर आ जाते हैं हम और इसके पी को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से इसके पी को समझ लेंगे ये बहुत बढ़िया चीज़ है Yes. यस बहुत बढ़िया चीज है और यहां पर हम इसको आपको समझा रहे हैं और ये बात एकदम से क्लियर है चलिए देखिए ये आपके सामने है ये आपके सामने है हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसके बारे में हमने आपको कल भी आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे अच्छी जानकारी भूकंप विज्ञान यानी सीस्मोलॉजी से प्राप्त होती है भूकंप विज्ञान यानी सीस्मोलॉजी से प्राप्त होती है हमने आपको बताया कि भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को वैज्ञानिक ग्रांट किसने वैज्ञानिक ग्रान्ट ने तीन मुख्य भागों में बांटा कितने भागों बांटा तीन मुख्य भागों में बांटा तथा भूकंपीय तरंगों, सिस्मोग्राफिक वेव्स की गति में अंतर के आधार पर इन तीन मुख्य भागों को तीन उपमंडलों में भी बांटा गया है आप देख रहे मैं आपको पढ़ा चुका हूं जिसमें जो ग्रांट ने बांटा था ये कहाँ गए हमारे ग्रांट ये ग्रे ग्रांट ग्रांट ने जो बांटा था वो बांटा था क्रस्ट से क्रस्ट ग्रांट ने बांटा था मेंटल और ग्रांट ने बांटा था कोर तो क्रस्ट मेंटल और कोर लेकिन उसके आधार पर भी इनको भी अगेन दो भागों में बांट दिया था जिसमें क्रस्ट को बांट दिया था अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट मेंटल को अपर मेंटल लोअर मेंटल और कोर को भी इंटरनल कोर और आउटर कोर ये सब हमने आपको इसके बारे में बता दिया था तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हमारे जाते हैं आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं ओके रूपचंद्र गुड मॉर्निंग सर ओके सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार प्रियंका प्रदर्शन सर एब भी नहीं है टेलीग्राम पे आप मैसेज सीन नहीं करते बेटा मैं आप सीन कर लूंगा आप मुझे मैसेज भेजिएगा नाम लिख करके भेज दीजिए मैं आपका मैसेज सीन कर लूंगा ओके टेलीग्राम वगैरह पे आप देख सकते हैं और बाकी कोई भी अगर आपको अच्छी जानकारी चाहते हैं तो आप एग्जामपुर का हमारे जितने भी नंबर हैं उन पर आप कॉल करके कोई भी बैच से संबंधित जानकारी आप इसमें ले सकते हैं बात क्लियर चलिए तो यहां तक ये बात क्लियर है अब हम आगे आपसे बात करेंगे तो ये क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में और यह भी आपको मैंने बता दिया रासायनिक संगठना के आधार पर जो भूगर्भ शास्त्री है जिनका नाम है स्वे स्वेष ने किस तरीके से बांटा था सियाल सीमा और नीफे और वास्तविकता तो यह है सियाल ही है हमारा क्रस्ट जो क्रस्ट है उसी को सियाल कह रहे हैं सीमा जो है मेंटल उसी को मेंटल को ही हम सीमा कह रहे हैं और जो कोर है उस कोर को ही हम क्या कह रहे हैं? नीफे कह रहे रहे हैं हैं तो ये भी बात एकदम से क्लियर है आप इसका भी एक किसके दे सकते हैं हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हाँ ये बढ़िया है हम एक एक करके एक एक के बारे में समझ लेंगे जैसे हम सबसे पहले समझेंगे क्रस्ट के बारे में कष्ट के बारे में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लिखने ओके कुमार हरित गुड मॉर्निंग सुनील गुड मॉर्निंग ओके सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग मिलकर के और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए कितना बढ़िया सेशन आपको कराया जा रहा है पहले मैं आपको मौखिक समझा रहा हूँ मैं अपने मुख से आपको समझा रहा हूँ फिर मैं बोलता हूँ फिर मैं बोर्ड पर भी लिखने का प्रयास करता हूँ और अब मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से भी पी के माध्यम से भी समझा दे रहा हूँ तो अंततः मेरा प्रयास यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप सब लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए जो भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ रहे हैं उसको इतनी गहनता से तल्लीनता से पढ़ें कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए और जब जो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो रिविजन करने में उतना ही आपके लिए आसान होगा और जब रिविजन करने में आसान होगा तो उतना ही आप पेपर में बहुत बढ़िया कर सकते हैं बात क्लियर है ओके चलिए रोहित कुमार हेलो सर हेलो रोहित जी ओके चलिए तो सबसे पहले अब हम थोड़ा सा क्रष्ट के बारे में समझ लेते हैं कि क्रष्ट क्या है हालांकि आप क्रष्ट के बारे में सारी चीजें जानते हैं क्रस्ट के बारे में बताया था कि जीरो से तीस किलोमीटर की गहराई तक तो इसका विस्तार तीस किलोमीटर की गहराई तक है दिस इज एक्सटेंस फ्रॉम जीरो टू थर्टी किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पृथ्वी के सरफेस एंड धरातल से तीस किलोमीटर तक की गहराई तक जिसका विस्तार है वो है मेरे बेटे क्रस्ट वो क्या है क्रस्ट तो जीरो से तीस किलोमीटर की गहराई पर जिस चीज का विस्तार है उसको हम कहते हैं क्रस्ट इस परत का घनत्व तो तीन दशमलव जीरो ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है स्पेशली अगर हमने कहा कि तीन परतें थी नंबर एक थी क्रस्ट, नंबर दो थी मेंटल और नंबर तीन थी कोर तो स्पेशली अगर हम क्रस्ट के बारे में पढ़े स्पेशली क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो क्रस्ट का घनत्व है वो है तीन दशमलव जीरो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू आप जानते हैं कि ये जो पीछे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू या ग्राम घन सेंटीमीटर जो होता है वो घनत्व तो यानी डेंसिटी yani का यूनिट है मात्रक है उसका आप ये फिजिक्स में पढ़ते हैं तो क्रस्ट का जो घनत्व है जो डेंसिटी है वो है तीन ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू भूकंपी तरंगों की गति के अंतर के आधार पर इसे दो भागों में बांटा है यह बात मैं आपको बता चुका हूं क्रस्ट भी दो भागों में चुकी है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट बात क्लियर है ओके <coughs> ओके कर दिया सर जी थैंक यू वेरी मच सर आपकी क्लास आ, सही नहीं ना है नहीं है ओके अखिल दिवाकर थैंक यू यूट्यूब पर इसी चैनल पर प्लेलिस्ट से सर्च करो भैया अनुपम सर किया ओके okay, चलिए थैंक यू प्रियंका जी ओके okay. तो भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इसे दो भागो बांटा गया ऊपरी क्रस्ट क्रस्ट और निचली क्रस्ट। दूसरी बात ध्यान रखिए इन दोनों क्रस्टों के बीच के क्षेत्र को कौन राड असंबद्धता कहते हैं ये बात मैं भी आपको बता चुका हूं कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो डिस्क्री है उसका नाम है कोन राड असंबद्धता कोन राड असंबद्धता इस पर जो परत है उसका नाम है कोनराड असंबद्धता मैंने कहा इस परत को परत भी कहते हैं बाय द जियो मोर्फोलोजिस्ट स्वेस ने इस परत को भी कहा है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है क्योंकि यह पृथ्वी के ऊपर है आप देख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर टॉप पर अभी हमने आपको बताया था कि यह है पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है तो ध्यान रखिएगा महाद्वीप और महासागरी हिस्सा क्रस्ट के ऊपर ही बसा हुआ है जितने भी हमारे महाद्वीप हैं आठ महाद्वीप हैं लेकिन आठ

स्थित तरह एक बार मैं इसको आपको समझा दूंगा भी पहले समझ लेते हैं इस क्रस्ट के ऊपर ही सकते हैं और ध्यान रखिएगा महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है जाहिर सी बात है जो महाद्वीप हैं वो ऊंचे ज्यादा हैं महासागर जो हैं निम्न हैं कैसे हैं उनके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए पहले आप इस क्रस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं आप इसका इतना स्क्रीनशॉट इस ले सकते हैं फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा अब ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा देखते स्पेस है हाँ ये स्पेस है हमारे पास यहां पर और हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ठीक है ना ये हो गया हमारा काम अब देखिए हम जिसकी बात कर रहे थे तो हमने आपसे कहा कि ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये वाला हिस्सा हो गया हमारा क्रस्ट ये वाला हिस्सा हो गया हमारा मेंटल और ये वाला हिस्सा हो गया जिसको हम कह रहे हैं कोर तो क्रस्ट मेंटल और कोर ये तीन हिस्से हो गए और अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं या जितने भी जीव जंतु हैं चाहे कोई भी जीव जंतु है चाहे कोई भी पेड़ पौधे हैं सब कहाँ पर पाए जाएंगे सब कहाँ पर पाए जाते हैं इसी इस पर पाए जाते हैं कृष्ट के ऊपर पाए जाते हैं किसके ऊपर पाए जाते हैं कृष्ट के ऊपर पाए जाते हैं और जितने भी महाद्वीप हैं महाद्वीप का मतलब है जमीन का कोई भी एक विशेष क्षेत्र ये जमीन का मान लेते हैं ये कृष्ट है ये क्या यहाँ पर हमारी ये कृष्ट वाली परत है बहुत ध्यान समझे ना ये कृष्ट वाली लेयर है इस कृष्ट के ऊपर ही स्थित है महाद्वीप इस कृष्ट के ऊपर स्थित है महासागर तो कैसे स्थित है इसको भी जरा समझ लें मान लेते हैं ये तो हो गए हमारे महाद्वीप ये तो हो गए हमारे यहाँ पे हमारे महाद्वीप तो महाद्वीप की मोटाई कैसी है महाद्वीप की मोटाई ज्यादा है, लेकिन हमारे, लेकिन हमारे, हमारे हमारा ये हो गए हमारे महासागर ये क्या है हमारे यहां पर महासागर जिनमें पानी कैसे पानी है महासागरों इन में इनमें क्या है पानी है तो इनकी ये जो मोटाई है इनकी मोटाई कम है इनकी मोटाई कम है मोटा ही कम है का मतलब है कि मान लेते हैं बहुत ध्यान से समझिए भी प्रैक्टिकल के समझिए फालतू के क्वेश्चन अपने दिमाग में ना आए मैं एक एक चीज को आप क्लियर कर दूंगा तो बहुत ध्यान से मुझे सुने केवल ठीक है यहां मैं देख पा रहा हूं और काफी कमेंट है ओके हमने माना कि ये क्रस्ट है इस क्रस्ट पर ही पर्वत पठार मैदान घाटी व्यक्ति जानवर पशु जीव जंतु सब कुछ इस कृष्ट के ऊपर है सब कुछ इस कृष्ट के ऊपर है इसी कृष्ट के ऊपर सारे पठार हैं इसी के ऊपर सारे महाद्वीप बसे हुए हैं इसी कृष्ट के ऊपर सारे महासागर बसे हुए हैं तो महाद्वीप ऐसे ऊंचे हैं इनकी मोटाई ज़्यादा है और जो जो महासागर उनकी मोटाई थोड़ी कम है बस इतनी सी बात कहना आपसे चाह रहा है बस इतनी सी बात आपसे कहने चाह रहे हैं। तो ये है आपका ये मोटाई कम है और इसकी मोटाई ज्यादा है इसकी मोटाई ज्यादा है बस ये चीज आपको समझनी है कि महाद्वीपीय खंड की मोटाई ज्यादा है महासागरीय खंड की मोटाई कम है जो कहां पर स्थित है ये चाहे तो महाद्वीप है ये हिस्सा है महाद्वीपी वाला हिस्सा महाद्वीपीय क्रस्ट ये क्या है महाद्वीपीय क्रस्ट यह क्या है महासागरीय क्रस्ट महासागरीय

मेंटल को मेंटल और कोर को कोर कहते हैं यहां तक बात अगर समझ में आई तो प्लीज एक बार कमेंट करेंगे फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं यहां तक अगर आपका चीज एकदम से क्लियर है तो आप बताएंगे फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं ओके क्लियर सर जी लोकेश राजपूत का क्लियर हो गया खुशबू चौधरी जी सर ऑल क्लियर ओके रोहित कुमार ओके प्रियंका प्रदर्शन क्रिस्टल क्लियर सर थैंक यू प्रियंका बेटा ओके ओके चलिए तो आप सब लोगों का यहां पे क्लियर हो गया आ, काफी कमेंट आ रहे हैं विवेक राघव रोहित कुमार निवेदिता सुरोही सबका क्लियर ओके निवेदिता बेटा ओके आदर्श शर्मा ओके आदर्श जी ओके रोहित कुमार क्लियर बेटा ओके ओके चलिए रोहित कुमार यस सर ओके वेरी गुड तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन भी ले सकते हैं फिर हम सब आगे बढ़ेंगे ओके मस्त जी थैंक यू सुनील ओके अनु मुंडा ओके सुमन कुमार शीनु गुप्ता बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपने इस चीज को यहां पर समझ लिया था अब हम इसको आगे समझाएंगे तो हम यहां पर आपसे बात कर रहे थे और हम इसकी बात आपसे कर रहे थे ठीक है लेकिन हम कहा आपसे बात कर रहे थे हां हम आपसे यहां पर बात कर रहे थे इस कृष्ट को लेकर के आपसे बात कर रहे थे बात क्लियर हम इस कृष्ट को लेकर के बात कर रहे थे और बताया था कि महासागर महाद्वीपीय कृष्ट की मोटाई ज्यादा है महासागरी कृष्ण की मोटाई कम है यह बात मैंने आपको समझा दिया ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा समझेंगे कैसे समझेंगे जरा थोड़ा सा भू पर पट्टी पर इसको समझते हैं चलिए ये थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव है ओके okay, चलिए तो आप यहां पर थोड़ा सा देखेंगे कि ये 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 प्रश्न जो पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण है सर वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द डिफेंस वॉरियर टीचर्स फॉर प्रोवाइडिंग सच ऑफ वेल्यूबल इन थैंक यू वेरी मच हिंदुस्तानी सिंह जी ओके रवि मौर्यवंशी जी यहां okay, पर हैं गुड मॉर्निंग रवि जी ओके स्वागत है आपका एग्जाम्पुर डिफेंस वॉरियर के इस यूट्यूब चैनल पर ओके okay, चलिए यहां पर देखते हैं हम तो यहां पर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भूपरपटी यानी इसको भूपरपटी यानी जिसको हम कह रहे हैं कृष्ट भूपरपटी ये है हमारी भूपर पट्टी जिसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं क्रस्ट और अब तक आपके जहन में बैठ गया होगा कि जितने भी सब कुछ बसा हुआ है वो क्रस्ट के ऊपर ही बसा हुआ है चाहे वो महाद्वीप हैं चाहे वो महासागर हैं वे सभी के सभी कहाँ पर बसे हुए हैं क्रस्ट के ऊपर ही बसे हुए हैं और तो पृथ्वी पर यानी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ये प्रश्न आपसे कई बार कई पेपरों में पूछा जाता है कि भूपरपटी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है मैं इस क्वेश्चन को स्टार दे सकता हूं यह स्टार रैंक लेवल का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है ओके सर आई एम लेट सॉरी कोई दिक्कत नहीं ओके okay. ओके okay, तो भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है इस पृथ्वी को हमने इस तरीके से ये क्रस्ट मेंटल और कोर तीन परतों में डिवाइड कर लिया था क्रस्ट मेंटल और कोर में तो हम अभी एक एक करके पढ़ रहे हैं और अभी हम क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रस्ट पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर सिलिकन तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम चौथे नंबर पर लोहा कैल्शियम सोडियम ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन यहाँ पर दोबारा लग गया है ठीक है तो वो लग गया कोई दिक्कत नहीं इससे कोई समस्या नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन दोबारा लग गया है लेकिन ध्यान रखिएगा यह पृथ्वी के भूपरपट्टी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सीजन के या भूपरपट्टी पर या क्रस्ट पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन भूपरपट्टी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा तत्व है ओके ओके ठीक है ओके <laughs> तो यहां तक ये यह बात आपकी समझ में आई होगी कि भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ऑक्सीजन इसके अलावा अन्य ये सारे सारे तत्व हैं आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं हम सब लोग जो आगे बढ़ रहे हैं आप इसका एक स्क्रीन ले सकते हैं फिर हम सब लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं ओके सभी को जय हिंद सभी को नमस्कार सभी को राम राम राधे श्याम और पढ़ाई पर ध्यान दें आपस में कमेंट ना करें अब हम चल रहे हैं अब हम चल रहे हैं मेंटल की तरफ कहाँ चल रहे हैं अब हम चल रहे हैं मेंटल की तरफ हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम बात करेंगे मेंटल की तरफ बात करेंगे किसकी तरफ बात करेंगे अब हम बात करेंगे मेंटल की तरफ तो मेंटल की तरफ कहने का मतलब है यह पहले ही बताया जा चुका है कि यह तीस से उन्तीस किलोमीटर तक के क्षेत्र पर फैला हुआ है यह भी, भी, भी आपको बताया जा चुका है कि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसीलिए सीमा परत भी कहते हैं यह भी आपको बताया जा चुका है इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि क्रस्ट और मेंटल क्रस्ट और मेंटल के बीच की असंबद्धता को मोहो असंबद्धता इंग्लिश में कहेंगे मोहो डिस्कटि तो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में जो डिस्कंटेटिव पाई जा रही है उसको मोहो असंबद्धता और मेंटल में स्पेशली ऊपरी मेंटल निचली मेंटल में जो असंबद्धता है वह रेपेटी असंबद्धता और रखेगा, जो मेंटल है यह पृथ्वी का अड़सठ परसेंट द्रव्यमान और तिरासी परसेंट आयतन घेरे हुए हैं यह बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का प्रश्न है स्टार रैंक का प्रश्न है यह आपके कथन और निष्कर्ष वाले जो प्रश्न सी में पूछे जाएंगे उनमें उनमें कथन और निष्कर्ष में आ जाता है कि अभी आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्ण पृथ्वी का अड़सठ परसेंट द्रव्यमान और तिरासी परसेंट आयतन घेरे हुए हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह गलत है कृष्ण नहीं है यह काम मेंटल का है या ये डिजिट उल्टे कर दिए जाएं कि मेंटल पृथ्वी का तिरासी परसेंट द्रव्यमान और अड़सठ परसेंट आयतन घेरे हुए तो भी गलत हो जाएगा इसलिए आप डिजिट को याद करके चलिएगा इसे वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं प्रश्न पूछा भी गया है कि वाइट ऑफ द अर्थ कौन सी लेयर को कहते हैं तो आप सब समझ गए मेरे प्यारे बच्चों कि वाइट ऑफ द अर्थ हम कहते हैं मेंटल को किसको हम कहते हैं मेंटल को हम वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं इज दैट क्लियर यहाँ तक तो ये सारी सारी बात आपकी समझ में आई होगी ये दो पॉइंट आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं वाइट ऑफ द अर्थ और इतना द्रव्यमान और इतना आयतन यहाँ तक कोई भी अगर आपको समस्या है तो एक बार आप कमेंट करके पूछ लीजिए और अगर सब कुछ क्लियर है तो हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं अंजलि ठाकुर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग अंजलि बेटा और प्रियंका बेटा एवरी डे मॉर्निंग सिक्स टू एट ओके रोहित कुमार थैंक्स प्रियंका खुशबू चौधरी प्रियंका प्रदर्शनी ओके okay, अंजलि करण वादिया प्रियंका जी आपको ये नहीं पता कि नेवी में जोग्राफी नहीं आती कौन कह रहा है नेवी में जोग्रफी नहीं आती करण बेटा जी जब हम नेवी का दो पेपर देते हैं एसएसआर और डबल ए और एसएसआर में आप जानते हैं पच्चीस नंबर की जीके आती है और उसमें भी जोग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं बस अंतर यह है सी डी एस में जोग्राफी बड़े लेवल की पूछी जाती है और एस एस आर और डबल ए में जोग्राफी के फैक्चुअल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं लेकिन वो भी आता है ओके okay. दीपक गुप्ता हेलो प्रियंका एग्जामपुर में क्लाइंट तो नहीं है जो हर चीज़ का टाइम बता रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा ये उसकी अपने टीचर के प्रति अपने गुरु के प्रति अपने संस्थान के प्रति सम्मान है उसका रेस्पेक्ट है ना आप इसको क्लाइंट नहीं कह सकते कैसी भाषा का प्रयोग आप लोग करते हैं और कैसा आप लोगों का मेंटल स्टेटस है जो आप लोगों को इतनी इतने लेवल से सोचते हैं आपको अच्छे लेवल से सोचना चाहिए खुशबू चौधरी सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाले होते हैं बेटा बिल्कुल सही है खुशबू बेटा इसीलिए मैं आपको अभी से ट्रेन कर रहा हूँ अभी से तैयार कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से चीज़ों को सावधान रहिए पॉइंट को पढ़िए ताकि आप कथन निष्कर्ष को बड़े आराम से ठेक कर देंगे कि सर ये कथन गलत है ये कथन सही है ओके गौतमी गुड मॉर्निंग नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ओके ओके okay, कोई दिक्कत नहीं प्रियंका बेटा कोई दूसरा क्या समझ रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और ओके okay. चलिए तो यहां तक आप सब लोगों का क्लियर हो गया है आपस में कमेंट ना करें और हम आगे बढ़ेंगे अगर यहां तक आपको कोई भी स्क्रीन शॉट वगैरह लेना है तो आप इसका ले सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं क्रस्ट के बाद अब हम आ जाएंगे कोर के बारे में किसके बारे में आ जाएंगे कोर के बारे में आ जाएंगे और कोर के बारे में देखेंगे कि कोर के बारे में बताया था कि उनतीस 2900 से 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है इट इज एक्सटेंड फ्रॉम टू नाइन डबल जीरो किलोमीटर टू सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन किलोमीटर और ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि छ हजार तीन सौ इकहत्तर किलोमीटर ये क्या है तो आपको बताया जा चुका है यही है पृथ्वी का केंद्र सेंटर ऑफ अर्थ जो पृथ्वी का केंद्र है वो छह हजार तीन सौ इकहत्तर किलोमीटर की गहराई पर जाके है ओके चलिए रामदेव कुमार ओके बिट्टू कुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बिट्टू जी ओके स्वागत है सभी का इसमें निकिल और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसे नीफे परत कहते हैं ये सब आप जान चुके हैं मेंटल और कोर के बीच परत भी आप जान चुके हैं गुटेन वर्ग असंबद्धता बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच भी असंबद्धता को आप जान चुके हैं लेहमैन असंबद्धता हाँ कोर का घनत् तेरह दशमलव जीरो ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है यह आपके लिए काम का है हमने आपको बताया था जो क्रस्ट है उसका तो ज्यादा है।, तो है और लगभग सिक्स से लेकर के एट के बीच मेंटल का घनत्व है और जो कोर है कोर का घनत्व तेरह दशमलव जीरो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों होता है तो यह भी आपसे एक स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष

चैनल पर देख लीजिएगा रेगुलर क्लास चल रही हैं वैसे लेकिन शेड्यूल मुझे नहीं पता है बस एक बार कमेंट किया करें मैंने आपके बहुत सारे कमेंट देख लिए ओके अभिषेक ठाकुर कुलवीर सिंह सर जी दिल्ली पुलिस के लिए ही है बिल्कुल बेटा दिल्ली पुलिस में भी जो पूछा जाता है उससे भी होता है ठीक है ओके ओके हाँ बेटा बहुत जल्दी जीके कुछ भी स्टार्ट होगी सर एनडीए में कैसे लेवल की ज़ोग्राफी पूछता है बेटा एनडीए का पेपर भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है बहुत अच्छे स्टर का आता है ओके अभिषेक ठाकुर बहुत सारे कमेंट तुमने एक बार कर दिए और अभी यहाँ से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा बहुत हो गया ठीक है ये देखिए जरा ये अभिषेक कुमार को ब्लॉक करिए तुरंत ठीक है ओके ओके, ओके। चलिए नो no डाउट सुमन कुमार नो no डाउट आदर्श शर्मा क्लियर सर ओके चलिए यहां तक ये यह बात क्लियर है ओके अभिषेक ठाकुर मैंने आपका जवाब भी दे दिया फिर भी आप इतना ओके मैं खुद पर्सनली इसको ब्लॉक करता हूं ठीक है चलिए तो यहाँ तक ये सारी सारी बात क्लियर है ओके चलिए चलिए यहाँ तक ये बात क्लियर है एकदम से अब हम आगे बात करते हैं अब हम आगे बात करते हैं अब हम आगे बात करेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं बस फिर के लिए हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महत्वपूर्ण बिंदु में कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है कितना होता है 5500 डिग्री सेल्सियस होता है 5500 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है तो 5500 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के केंद्र का तापमान है बात क्लियर कितना है पृथ्वी के केंद्र का तापमान है ओके चलिए और पृथ्वी की त्रज्या कितनी है तो पृथ्वी की त्रज्या छह किलोमीटर है पृथ्वी की त्रज्ञा और मैंने आपको बताया था, था स्थलमंडल की मोटाई 100 किलोमीटर तक होती है जिसमें कृष्ट के साथ साथ मेंटल का ठोस ऊपरी भाग भी शामिल है भाई क्योंकि कृष्ट के साथ साथ मेंटल तो बेटा जी इसलिए शामिल हुआ क्योंकि कृष्ट तो है जीरो से तीस तक और मेंटल है सात तक तो थोड़ा सा हिस्सा मेंटल का भी ले लिया जाएगा और उसी को हम कह देंगे लिथोस्पियर यानी स्थल मंडल यहां तक ये यह बात एकदम से बेटा जी क्लियर हो गए और ये आपका हो गया फिनिश पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं अब हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं अगर यहां तक बेटा जी पूरा का पूरा टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक बेटा जी मैंने आपको करा दिया जिसमें यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट uh यहां पर हमने आपको बात की थी बेटा कोर के बारे में कोर के बाद यहां पर हमने आपको बात की थी मेंटल के बारे में कुछ मेंटल के पॉइंट थे फिर उसके बाद क्रष्ट में कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं उनसे संबंधित चीजें बात की थी और उसके बाद बेटा फिर हमने यहां पर आपसे बात की थी क्रष्ट को लेकर के आपसे बात की थी ये भी बात एकदम से क्लियर थी और क्रष्ट के बाद यहां पर हमने बताया था स्वेस ने कैसे बांटा है ग्रांट ने कैसे बांटा है यह बात आपको बता दी थी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता दी थी तो नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा डिटेल में हमने आपको इसको पढ़ा दिए हैं हम आपको पीपीटी के माध्यम से भी समझा दिए हैं हम आपको इसमें जो है अपने हाथ से भी इसको ऑलरेडी समझा चुके हैं जिसमें श्याल शीमा निफे सारी सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं तो ये सारी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताई जा चुकी हैं कोई भी समस्या कोई भी डाउट कोई भी कुछ भी पूछना चाह रहे हैं कमेंट करिए हर चीज़ का जवाब आपको दिया जाएगा बस अर्थ है कि आपका कमेंट जो है वो उत्तर देने लायक हो ठीक है तो यहां तक ये सारी की सारी बात एकदम से क्लियर है जिसमें हम आपको बता रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इज दैट क्लियर ओके तो अब हम यहां से इसको हटा दे रहे हैं सब कुछ और एक बार फिर से देख लेते हैं तो ये आपके सामने है नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट अगर कोई भी के लिए कोई भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट है तो देन प्लीज टेल मी मैं आपके डाउट क्लियर कर दे रहा हूं अविनाश यादव सर क्लियर क्लियर सर थोड़ा लेट हो गया था पहले पोर्शन छूट गया कोई बात नहीं बेटा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगा आप इसको ले सकते हैं आधा शर्मा जी ऑल प्रॉब्लम क्लियर सर ओके कोई दिक्कत नहीं है फिर भी जब आपको पता कि मॉर्निंग में 6 से आठ तक हमारी क्लास होती है तो आप सब लोगों को मॉर्निंग में छह से आठ रेडी रहना चाहिए मोहित साक्या सर यूपीएससी सीडीएस में फॉर्म डाल दिया वेरी गुड बेटा गुड यू आर माई बेस्ट टीचर शर्मा ओके थैंक यू वेरी मच बेटा जी थैंक यू सर पंजाब अच्छा कुलवीर सिंह पंजाब से ओके थैंक यू शिरोही नो डाउट ओके खुशबी ऐसे लोगों की वजह okay. से ओके सर इधर आप आदमी ग्रुप से वाइल्ड लाइफ को ब्लॉक करवा दीजिए ओके ओके आपस में फालतू कमेंट ना करें ओके okay, वाइल्ड क्रेज क्या कमेंट करें और एल्स ओके आप सब लोगों की मैं देखता हूं कि हर किसी व्यक्ति के अगर आप सब जानते हैं कि हमारी बाड़ी हमारी जो हम कहते हैं हमारे मुख से हमारे कल्चर से हमारे बोलने के तरीके से ही हमारे क्षेत्र का हमारी संस्कृति का पता चलता है और आप सब लोगों का जो स्टेटस है सोचने का लेवल है जो आप लोग कमेंट करते हैं उससे आइडिया होता है कि आप सब लोग किस तरीके से सी की तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से आप लोग एन की तैयारी करते हैं एन डी लेफ्टिनेंट आप बनेंगे किस तरीके से बनेंगे बेटा ऑलरेडी मैं खुद टू में एस दिया हूँ लेकिन इंग्लिश मेरा कमजोर था उस समय काफी समय पुरानी बात है दो हज़ार तेरह बारह के समय तक जब मैं तैयारी करता था तो मैंने भी खुद अपनी तैयारी से एनडीए क्वालिफाई किया और एस एस बी दिया बट एस एस बी में मैं डिस्कवालीफाई हो गया उसके बाद फिर तो मैं यूपीएससी की तरफ आ गया यूपीएससी में आई एस का मेस दिया पीसीएस का मेस दिया एंड रेगुलर में दे रहा हूं लेकिन मैं देखता हूँ कि आप सब लोग आप सब लोग जिस लेवल से बहुत से एनडीए एनडीएस के ऑफलाइन में बैच में पढ़ाता हूँ बच्चों का एक अच्छा खासा लेवल होता है लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे लेवल से बात करते हैं कोई कैसा कमेंट कर रहा है कोई कुछ कर रहा है और लेकिन आप लोगों का लेवल लगता तो क्वेश्चन भी पूछने का एक लेवल होना चाहिए कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए कि मुझे लगे कि वाकई में बच्चे मेहनत कर रहे हैं अब ऐसे कमेंट करते हैं कि इनका जवाब भी देना संभव नहीं है तो कुछ ऐसा पूछिए बढ़िया पूछिए जो आपके काम का होके चलिए गुड सर ओके तो यहाँ तक आप सब लोगों का ये क्लियर है एक बार टॉपिक को शेयर कर दीजिए सेशन को लाइक कर दीजिए अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके थंबनेल पर दिया जा चुका है जो आपके थंबनेल पर दिया जा चुका है वो टॉपिक है आपका दोस्तों जिस टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी ज्वालामुखी यानी वॉल कैनो आपका टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे ओके स्वाति पाल गुड मॉर्निंग सर ओके गुड मॉर्निंग स्वाति बेटा ओके प्रिंस पांडे सर आप सी डी एस फर्स्ट किसके लिए आप जोग्राफी की क्लास जरूर लीजिएगा प्लीज हाँ बेटा ये हम देखते हैं ओके प्रिंस इसके बारे में हम बात करेंगे ओके नवरत्न सिंह साकिया ज्वालामुखी ओके स्वाति पाल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्वाति बेटा ओके सर आपका टीचिंग का तरीका वेरी सेशन कब है बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे ओके ओके गुप्ता सर ये आ, गैस का ऑर्डर डिसाइड करना हो आता है क्या पेपर में जी ए ई सी बेटा क्या लिखा सीनू गुप्ता सही से लिखो बेटा समझ में नहीं आया मेरे खुशबू शर्मा गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग खुशबू जी स्वागत है आपका एग्जाम्पू डिफेंस वॉरियर पर ओके यू पी एस सी सी डी एस में इट्स मी सर मैथ आता है ये आता है बिल्कुल कपिल ओके अमित बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे लोग चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक का नाम है जिस टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी क्या नाम है टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी बड़े ध्यान से समझिएगा बड़े ही आसान और बड़े ही अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को समझेंगे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सबसे पहले समझिएगा ज्वालामुखी से पहले आप दो चीज़ें समझिए आप दो शब्द सुने होंगे आपने बहुत ध्यान से कंसर्टेट होकर अब अपने कमेंट को बंद करेंगे यू आर okay, okay, right okay, okay, कर नया टॉपिक है नए तरीके से केवल समझिए कॉपी पेन खोल करके रखिए और समझिए okay. ज्वालामुखी में सबसे पहले समझेंगे तो दो टॉपिक दो शब्द आपने सुने होंगे एक तो आपने शब्द सुना होगा ज्वालामुखी क्या शब्द आपने सुना होगा एक शब्द आपने सुना होगा ज्वालामुखी और एक शब्द आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया ये दो शब्द अगर आपने कभी पेपर को पढ़ा है किताबों को पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि ये दो शब्द आते हैं ज्वालामुखी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉलैनो ज्वालामुखी क्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल क्या कहते हैं वॉल तो दो चीजें आपने इसमें पढ़ी होंगी एक तो वॉल्नो एक वॉल ये दो शब्द आपने जरूर सुने होंगे अब इन दोनों शब्दों के बारे में हम समझेंगे कि ये दोनों शब्द आखिरकार क्या हैं ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है बात क्लियर है ओके ध्यान रखिएगा अगर हम ज्वालामुखी की बात करेंगे सबसे पहले समझेंगे ज्वालामुखी को ज्वालामुखी क्या होता है ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी की बात करें कि पृथ्वी के अंदर से आप सब अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल में अभी मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक टॉपिक पढ़ाया और मैंने आपको उसमें भी बताया कि पृथ्वी के धरातल में बहुत सारा लावा भरा हुआ है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हाई टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में सारी सारी चट्टाने पिघल गई हैं मेल्ट हो गई हैं और उनके मेल्ट होने से बन गया है लावा क्या बन गया है लावा जो धरती के अंदर रहता है तो उसको कहते हैं मैगमा और जब वो धरती से बाहर निकल आता है तो उसको कहते हैं

चट्टान का मतलब तूफान के साथ एकदम बहुत ही विस्फोट के साथ बाहर निकलना ही क्या कहलाता ज्वालामुखी यानी किसी पर्वत से या पृथ्वी का वह केंद्र ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं आप मैं लिखाऊंगा सारी चीजें कि पृथ्वी का वह केंद्र जहां से धरातल के अंदर स्थित मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है तथा जिसके साथ में बहुत सारे चट्टानी समूह बहुत सारे कंकड़ पत्थर बहुत सारे गैस जलवाष्प, वेपर और ये सारी सारी चीजें निकलती हैं वो कहलाता है ज्वालामुखी क्या कहलाता है ज्वालामुखी बात समझ में आ रही है लेकिन आपसे बात करें कि ज्वालामुखी की क्रिया क्या होती है ओके okay. ठीक है ज्वालामुखी की क्रिया क्या होती है तो ध्यान रखिएगा कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट ज्वालाम की वॉल्केनिक है, है. ज्वालामुखी विस्फोट को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन तो ज्वालामुखी विस्फोट से मान लेते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया लावा बाहर निकल रहा है अब वो लावा धीरे 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 ठंडा होगा लावा धीरे धीरे ठंडा होगा तो ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के शीतलन तक की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं क्या कहते हैं शीतलन तक की क्रिया को ही क्या कहते हैं हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं बात क्लियर है है यहां पर आप इसमें ज्वालामुखी क्रिया हम लिख सकते हैं शीतलन तक की प्रक्रिया को कैसे यहां पे हम इसके बाद लिख सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया में हम लिख सकते हैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हाँ। ज्वालामुखी क्रिया में आप लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर शीतलन तक की प्रक्रिया को शीतलन तक की प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं ज्वालामुखियता कहते हैं ज्वालामुखी कह सकते हैं या ज्याज्वाला कहते हैं क्या कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं यानी ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के शीतलन तक की प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे द एक्शन फ्रॉम वॉल्केनिक टू कूलिंग द एक्शन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप इसको द एक्शन एक्शन फ्रॉम वॉलकेनिक इरप्शन वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनिकोन एज वॉलकेनिज्म वॉल्केनिज्म यानी जो एक्शन है यानी जो क्रिया है वो क्रिया कहां से है वॉल्केनिक इरप्शन से लेकर के कूलिंग तक की तक की क्रिया है इरप्शन से लेकर के जो कूलिंग तक की क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया उसी को हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया खुशबू चौधरी सर शीतलन मीन्स बेटा शीतलन मीन्स का मतलब है कूलिंग ठंडा हो जाना शीतलन का मीन्स मतलब क्या है कूलिंग यानी ठंडा हो जाना बात क्लियर है ओके तनुप्रिया सर नमस्ते आज मैं लेट हूँ कोई दिक्कत नहीं तनुप्रिया बेटा ओके बात क्लियर है तो ये सारी की सारी बातें यहां पर हैं तो हमने आपसे कहा कि ज्वालामुखी की क्रिया है और ज्वालामुखी की क्रिया हम देखिए जरा जेम्स क्रस जी को ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं इनको देखिए जरा और हाँ गो एंड जोइन किड्स स्कूल के डूज स्टॉप इट हाँ हो गया इनको जरा देखिए अच्छे से ठीक है ओके आवाज़ ज़रा देखना क्लियर है ना हाँ ओके तो बेटा जी हमने कहा ज्वालामुखी क्रिया के बारे में कि ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के शीतलन तक की प्रक्रिया को ज्वालामुखीता कहते हैं द एक्शन फ्रॉम वॉल्निज एप टू कूलिंग नोन एज वॉल्केज्म नोन एज बॉल्केज्म ठीक है बात क्लियर है ओके आप आप आपके साइड से ब्लॉक कर दीजिएगा बेटा परमानेंट ब्लॉक हो गया यहाँ पर यहाँ पर किसी भी ओके सेल्फ हो गया उसको किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी अगर आप टॉपिक से संबंधित कोई भी पॉइंट पूछते हैं तो आई ऑलवेज विद यू मैं आपके साथ हूं लेकिन अगर आप फालतू का कमेंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा जेम्स करजिए कुछ ज़्यादा ही पता नहीं ब्रिटेन में जन्म लिए हैं कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश बोल रहे थे तो बस हमने इनको वहीं ब्रिटेन भेज दिया वहीं पर जाइए यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है एस में किया पूछा जाता है सर सर मुझे समझ नहीं आया ओके कोई नहीं तनुप्रिया बेटा समझ में आएगा भी आपके ठीक है ओके नहीं लो नहीं लोकेश को ब्लॉक किया है बेटा है ना लोकेश को ब्लॉक नहीं किया है ठीक है चलिए तो हमने आपसे कहा कि ज्वालामुखी क्रिया में कि ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के शीतलन तक की प्रक्रिया को हम ज्वालामुखीता कहते हैं द एक्शन फ्रॉम वॉल्केज इन टू कूलिंग नोन एज वॉल्निज्म आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको आप इसको यहाँ पर समझिए आप इसको यहाँ पर समझिए बात क्लियर है यहाँ पर यह बात तो क्लियर है एकदम से ठीक है चलिए तो ज्वालामुखी क्रिया में यह कि ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के शीतलन तक की प्रक्रिया को ज्वालामुखीता कहते हैं यहाँ पर यह बात आपकी समझ में आ गई है अब यहाँ पर आपकी ये बात समझ में आ गई अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से अब हम इसको हटाते हैं आपको ये बात समझ में आ गई कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है आपकी ये बात यहाँ पर समझ में आ गई ध्यान रखिएगा अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब हम आपसे बात करेंगे ज्वालामुखी को लेकर के बात करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है तो ध्यान रखिएगा हम इसको ऊपर करते हैं और यहां पर आते हैं अब हम आपसे बात करेंगे ज्वालामुखी ज्वालामुखी अब हम बात करेंगे वॉल के बारे में सबसे पहले ध्यान रखिएगा अगर हम ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी क्या होता है तो नाम से पता चल रहा है ज्वालापुर प्लस मुख बहुत ध्यान समझिए अपनी देहात भाषा में समझिए ज्वाला प्लस मुख ज्वाला का मतलब है आग बहुत ही भयंकर आग और मुख का मतलब है माउथ यानी यानी ज्वालामुखी का मतलब हो गया कि कोई भी एक ऐसा माउथ जिससे बहुत ही भयंकर आग निकल रही हो और माउथ हो सकता है मान लेते हैं ये कोई एक पर्वतीय समूह है ये कोई एक पर्वतीय समूह है धरातल के अंदर इस पर्वतीय समूह से इस पर्वतीय समूह से यहाँ से अंदर से ये लावा जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर निकल रहा है वो लावा के रूप में बाहर निकल रहा है और इस तरीके से एक बड़े रूप में यहाँ पे विस्फोट के साथ पैदा हो गया क्या हो गया विस्फोट के साथ निकल गया इस पर्वतीय समूह से यानी ये क्या है ज्वालामुखी क्या है ज्वाला प्लस मुख यानी आग तो ज्वाला यानी आग का मुख है जहा से आग बाहर निकलती है ओके सर थोड़ा लोकेश भैया को प्लीज अनब्लॉक कर दीजिए वो हमारे ग्रुप मेंबर हैं बेटा पता नहीं अभी तो टाइपिस्ट महोदय चले गए मैं करवा दूंगा लोकेश को ब्लॉक क्यों हो गया वो तो वो जो अंग्रेज़ था उसको ब्लॉक करवाया था ना चलिए कोई बात नहीं मैं लोकेश को भी अनब्लॉक करवा दूंगा अभी एडिटर महोदय नहीं है वो चले गए ओके अब आप कोई कमेंट ना करें मैंने पढ़ लिया लोकेश रेगुलर स्टूडेंट है बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है उसको अनब्लॉक करवा दिया जाएगा अभी कोई दिक्कत नहीं है सर बताइए ना सर जी एस में क्या क्या पूछा जाता है पंकज कुमार एस में जोग्रफी पूछा जाता है फिलहाल आप जोग्राफी पढ़िए कविता रानी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग कविता जी ओके ज्वालामुखी मैंने कहा कि ज्वालामुखी क्या है थोड़ा सा इसको और सरल भाषा में समझते हैं तो मैंने कहा कि ज्वालामुखी ज्वाला का क्या एक मुख है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां पर चलिए क्या है ज्वालामुखी का एक मुख है अब ध्यान रखना तो यहां लिख सकते हैं हम इसको ज्वालामुखी को के पृथ्वी के पृथ्वी के धरातल पृथ्वी के धरातल पर स्थित पृथ्वी के धरातल पर स्थित वह केंद्र या वह कोई एक छिद्र या कोई होल पृथ्वी के धरातल पर स्थित वह छिद्र जिससे जिससे धरातल जिससे जिससे भूगर्भ यानी जो पृथ्वी का अंदर है जिससे भूगर्भ जिससे भूगर्भ के अंदर भूगर्भ के अंदर स्थित भूगर्भ के अंदर स्थित मैग्मा लावा के रूप में मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है बाहर निकलता है मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है बात आपकी समझ में आ रही है ओके आदा शर्मा हाँ ओके क्लियर है मैं जानता हूँ मेरे सब दिमाग में आप परेशान मत होइए आदा शर्मा जी मैंने आपका कमेंट ले लिया ओके खुशबू ओके गुड मॉर्निंग सर जी ब्रदर्स गेमिंग ओके गुड मॉर्निंग अंकित कुमार फ्लिपाइन में टाइफून आया है ओके आदर्श ओके ध्यान रखना कि पृथ्वी के धरातल स्थित वह छिद्र जिससे भूगर्भ में के अंदर स्थित मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता तो है उसी का हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं जैसे ध्यान रखिएगा इसके साथ क्या निकलते हैं इसके साथ निकलेंगे कंकड़ निकलेगा इसके साथ पत्थर के टुकड़े निकलेंगे पत्थर के टुकड़े या कहते हैं चट्टानी टुकड़े इससे अंदर से क्या निकलेगा चट्टानी टुकड़े निकलेंगे इससे अंदर से क्या निकलेंगी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी इसके अंदर से क्या निकलेंगी इसके अंदर से जलवाष्प बाहर निकलेगी इसके अंदर से क्या निकलेगा इसके अंदर से धुआं बाहर निकलेगा इसके अंदर से क्या निकलेगा लावा बाहर निकलेगा तो ये सारी की सारी चीजें किससे निकलेंगी इस चट्टानी समूह से बाहर निकलेंगी बड़ी जोर विस्फोट के साथ निकलेंगी जिसमें धुआं जलवास जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर वेपर इंग्लिश में कहते हैं वाटर वेपर और ध्यान रखिएगा कंकड़ को, को कह सकते हैं कोई पार्टिकल्स धूल के कड़ कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल चट्टानी टुकड़े रॉक्स पार्टिकल गैस और लावा ये सभी के सभी इसमें से बाहर निकलेंगे बड़े ही जोर से तोड़ते हुए इस चट्टानी मुख को इस चट्टान के मुख को यहां से तोड़ देंगे और ये ये सभी सभी के सभी बड़ी जोर की स्थिति में बाहर निकलेंगे तो ये जो प्रक्रिया है है वो कहलाती ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के धरातल पर स्थित वह छिद्र जिससे उसे हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी जरा ये देखिए लोकेश नाम के किसी को गलती से लड़की ने ब्लॉक कर दिया उसको ठीक है तो उसे ही हम क्या कहते हैं ज्वालामुखी इंग्लिश में लिख सकते हैं कि अ अ अल्केनो इज कॉल्ड अ इज कॉल्ड द एग्जिट ऑफ गैस अ अनो इज कॉल्ड द एग्जिट इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं द एग्जिट ऑफ गैस कॉमा डस्ट पार्टिकल डस्ट पार्टिकल कॉमा डस्ट पार्टिकल गैस डस्ट पार्टिकल लावा एंड अदर गैसेज लावा एंड अदर गैसेस लावा एंड अदर अवेलगे इज कॉल्ड द एग्जिट ऑफ गैस पेबल्स यानी जो कड़ हैं कंकड़ को पेबल्स बोल देते हैं पेबल्स डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर एंड अदर गैसेस बाई द अर्थ इंटरनल फोर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अर्थ यानी अर्थ के जो पॉइंट पर अर्थ के जो पॉइंट पर, पर, पर कोई सरफेस पर कोई पॉइंट होगा जिससे बाहर ये सभी की सभी चीज़ें निकलेंगी जिससे बाहर ये सभी की सभी चीज़ें निकलेंगी ठीक है बेटा जो आप कह रहे थे कि लोकेश को ब्लॉक किया गया नहीं है लोकेश को आ, लोकेश को ब्लॉक नहीं किया गया है आ, एडिटर महोदय बैठे हुए हैं मैंने उनसे कहा है ऐसा नहीं है वो तो उस अंग्रेज लड़के को ब्लॉक किया गया था जिसको वापस ब्रिटेन भेज दिया गया है ठीक है चलिए ओके कविता रानी सर मैं फर्स्ट टाइम क्लास ले रही हूँ ये क्लास किस एग्जाम के लिए बेटा जी कविता ये जोग्राफी की क्लास चल रहा है और जोग्राफी की क्लास आपके ऑल एग्जाम के लिए है सकती है जिसमें आपका और जो है जस्ट मिनट एक मिनट रुकिएगा, हाँ ओके और ध्यान रखिएगा ये आपके सभी के सभी एग्जाम के लिए होता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक्स फॉर टीचिंग बाय अनुपम सर प्रिंस पांडे आई हाई ली ऑफ ब्लेस यू माई सन और थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू अमित कुमार सर मेरे बीएससी में पचपन परसेंट है सीडीएस में फॉर्म हो जाएगा ऐसी कोई बाध्यता नहीं आप बिल्कुल भर सकते हैं आप बिल्कुल बर्थ हो सकते हैं ओके खुशबू चौधरी सर ब्लॉक है वो तो अब तो बेटा एडिटर महोदय ने भी चेक भी किया नहीं मिला कोई भी दिक्कत होगी होगी हो सकता है वो क्लास ना ले रहे हों चले गए हों तो आपको ऐसा लग रहा होगा हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा वॉल क्या होता है कि पृथ्वी के सरफेस पर स्थित एक पॉइंट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सरफ़ेस ऑफ द अर्थ और उससे क्या निकलेगा इंटरनल अर्थ से जितना भी चीजें हैं चाहे वो गैस है डस्ट पार्टिकल है पेबल्स हैं लावा है वाटर वेपर है ये सब का सब वाटर वेपर ये सब चीजें जो बाहर निकल रही हैं, वो क्या है ज्वालामुखी है महेश नमस्ते ओके नमस्ते बेटा तो यहाँ तक आपकी ये बात समझ में आई है तो एक बार इसको आप सभी लोग कमेंट करेंगे यस लिखेंगे यहाँ तक आपकी बात समझ में आई है और यहाँ तक आप इसका स्क्रीन इस भी ले सकते हैं मेरे दोस्तों ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा आप यहाँ पर इसका स्क्रीन इस भी ले सकते हैं जल्दी से आप यहाँ पर ज्वालामुखी का स्क्रीन ले सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है रोहित कुमार सर इंग्लिश में पढ़ा दो थो थोड़ा बेटा जी इंग्लिश में लिखा तो है वैसे हालांकि जन्म से मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है बेटा लेकिन रोहित कुमार इंग्लिश में बताए बेटा अ वर्लगैन इज कॉल्ड द एग्जिट ऑफ गैस डस्ट पार्टिकल पेबल्स लाबा वाटर वेपर एंड अदर गैसेज बाई द अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी के धरातल पर स्थित एक ऐसा पॉइंट जिससे क्या होता है एग्जिट यानी बाहर निकलता है गैस बाहर निकलता है लावा बाहर निकलता है धूल के कड़ बाहर निकलते हैं कंकड़ पत्थर पेबल्स जलवास वाटर वेपर बाहर निकलते हैं वही क्या है बेटा जी वही क्या है बेटा जी आपका ज्वालामुखी है ओके बेटा जी ठीक है सर ज्वालामुखी का उद्गम कहां कहां है इंडिया में सर मैं बेटा एक एक चीज बताऊंगा आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा ज्वालामुखी को ऐसे समझा दूंगा एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी बस आप बने रहिए ओके सर मैग्मा से कौन सा रॉक बनता है यह भी मैं आपको बताऊंगा इग्नेस रॉक्स बनता है आग्ने चट्टान बनती है आगे के प्रश्न आप पूछे आप मुझ पर संपूर्ण भरोसा रखें इतना पढ़ा दूंगा जोग्राफी में ज्वालामुखी में एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा बिल्कुल नहीं ओके यहां तक ये बात क्लियर है ओके ओके okay, सर आप पढ़ाओ और सम समझ में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप ग्रेट हो सर अरे थैंक यू वेरी मच आदर शर्मा जी ओके okay. okay, लो ओके लोकेश राजपूत के नाम से आइडिया डीटा सर वो हो जाएगा वो कोई दिक्कत नहीं आप इसकी चिंता ना करें सर जी ये प्लान भूमि से भी यो बाहर निकल सकता है पड़ी से भी हुई क्यों निकलता है बात करेंगे बेटा भी इसके बारे में सर प्लीज लोगों को लेफ्ट साइड में कर दीजिए जो लिखे हैं वो नहीं दिख रहा है अच्छा अच्छा लोगों की वजह से नहीं दिख रहा है चलिए वो लोगों को हटा देते हैं अभी हटवा देंगे ओके सर दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड कब का आएंगे इसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है आगे हम आपसे बात करेंगे ठीक है चलिए तो यहां तक ये यह ज्वालामुखी के बारे में हमने आपसे बात कर ली है अब हम आगे, आगे बात करते हैं अब ध्यान रखिएगा आप इस चीज को समझ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से कि यहाँ आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो ज्वालामुखी है ये जो ज्वालामुखी है वो इस तरीके से फटता है इस तरीके से फटता है तो ध्यान रखिएगा ओके मिलान चौधरी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप थैंक यू वेरी मच मिलान जी ओके प्रियंका ओके थैंक यू वेरी मच बेटा थैंक यू वेरी मच प्रियंका आई हाईली ओब्लाइज डू माई सन ओके तो सचिन त्रिपाठी ओके थैंक यू वेरी मच सचिन जी ओके ओके, ओके। सर्वज्ञ त्रिपाठी सर प्रणाम प्रणाम बेटा जी खुश रहिए बेटा जी ओके तो यहां तक यह ज्वालामुखी के बारे में हो गया लेकिन अब ध्यान रखिएगा जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट हमेशा दो तरीके से होता है ज्वालामुखी विस्फोट हमेशा दो तरीके से होता है तो ध्यान रखिएगा यहां हम लिखेंगे कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं किसके आधार पर होते हैं उद्गार के आधार पर किसके आधार पर उद्गार के आधार पर उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं यानी वॉल कैनो आर टू टाइप्स वॉल आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन ऑन द बेसिस ऑफ इरापन यानी दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं नंबर एक होता है बेटा ध्यान रखिएगा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी नंबर एक होता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी यानी इसको कहेंगे सेंट्रल सेंट्रल इरपन सेंट्रल इरप्शन वॉलैनो इसको हम कहेंगे सेंट्रल इरप्शन वॉलैनो दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी तो, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी यानी इसको हम कहते हैं क्रैक क्रैक इरप्शन क्रैक इरप्शन वॉल्नो तो उद्भेदन के आधार पर फटने के आधार पर वॉल आर टू टाइप्स ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं जिसमें नंबर एक होते हैं नंबर एक होते हैं हमारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और नंबर दो होते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी बात क्लियर है ओके सर एक डायरेक्ट फट जाते हैं और एक कोर टाइप से छोटे छोटे आ, करके फटते हैं बिल्कुल सही स्टेटस वर्ल्ड ये मैंने ये उसी के बारे में बता रहे हैं सत्यम शाहू गुड मॉर्निंग सर सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार स्वागत है सत्यम जी आपका एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर तो मैंने आपसे कहा बेटा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और मैंने आपसे कहा दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी ध्यान रखिएगा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी का मतलब है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट किसी केंद्र के द्वारा सेंट्रल के द्वारा नली के द्वारा होता है थोड़ा सा मैं दोनों को समझा दे रहा हूं यहां पर मैं थोड़ा सा मैं दोनों को समझा दे रहा हूँ यहाँ पर तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहाँ तक आपने अगर स्क्रीन नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं एक बार आप इसका एक बार स्क्रीन ले सकते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं हाँ तो हम एक बार बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल अगर हम बात करें सबसे पहले सेंट्रल इरप्शन वॉल सेंट्रल एरप्शन वोल्ड केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें सीधा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहां पर कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में इस प्रकार के ज्वालामुखी में इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा एक नली के माध्यम से या एक केंद्र के द्वारा एक केंद्र के द्वारा बाहर तीव्र गति से निकलता है तीव्र गति से निकलता है तीव्र गति से निकलता है दूसरी बात इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी में इस प्रकार के ज्वालामुखी में इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा तीव्र गति से बाहर निकलता है तीव्र गति से बाहर निकलता है तीव्र गति से बाहर निकलता है तथा तथा विस्फोट भी तीव्र गति से होता है you. You <obviamente> तथा विस्फोट भी तीव्र गति से होता है विस्फोट भी तीव्र गति से होता है किससे होता है विस्फोट भी

या वहन मैग्मा मूव्स आउट वहन मैग्मा वहन मैग्मा मूव्स आउट बाय अ सेंटर बाय अ सेंटर और अ और लिख सकते हैं बाय अ सेंटर या लिख सकते हैं किसी की पुनमा संरचना से बाय अ ट्यूब या ट्यूब स्ट्रक्चर और ट्यूब स्ट्रक्चर कोई भी एक नली हो सकती है ट्यूब स्ट्रक्चर ट्यूब स्ट्रक्चर ट्यूब स्ट्रक्चर बस तो ध्यान रखिएगा वह मैग्मा कम्स आउट या वहन मैग्मा मूव्स आउट बाय अ सेंटर और अ ट्यूब स्ट्रक्चर सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल ओरिजिन वॉल सेंट्रल ओरिजिन वॉल या सेंट्रल इरप्शन वॉल एंड इन दैट केस द इरप्शन इज वेरी रैपिड आप इसमें लिख सकते हैं इन दैट केस इन दैट केस द इरप्शन द इरप्शन इज वेरी रैपिड इज वेरी रैपिड रैपिड का मतलब है बहुत तीव्र गति से होता है ऐसी कंडीशन में जो, जो लावा निकलेगा वो बहुत तीव्र गति से निकलेगा अमित कुमार स्वीडियास का स्वीडियास का। बहुत बड़िया, बहुत बड़िया। सर सी बहुत बढ़िया सर पृथ्वी के ऊपर नहीं बनेगा क्या सर क्या नहीं बनेगा पृथ्वी के ऊपर तनुप्रिया ओके प्रियंका सिक्स सेमेस्टर में फॉर्म डाल सकते हैं एसएसबी के सर्टिफिकेट भी आ जाएंगे तब तक डीपी चेंज योर बट बटवाय उस नली को लावा ट्यूब कहते हैं सही है बिल्कुल सर पता कैसे लेगा और जहाँ क्या फालतू रिकमेंड करते हैं आप सब लोग पता नहीं किस तरह की बातें आप, आप आपस में करते हैं ओके गुड मॉर्निंग सर जी लक्ष्मी रमन गुड मॉर्निंग ओके okay, पता नहीं थर्ड ईयर सेकंड ईयर इन्हीं चीज़ों में समय गवाते रहेंगे तो थर्ड ईयर सेकंड ईयर से फाइनल में आ जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे पेपर में फेल होना तय है इसलिए चुपचाप से पढ़ाई करिए पता नहीं कहाँ कहाँ के आपस में कमेंट कर रहे हैं सारे के सारे और कुछ लोग तो ऐसे हैं इसमें जो अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसफर समझते हैं बहुत बड़ा टीचर समझते हैं अब एक गधे पढ़ो चुपचाप से हर किसी की क्वेरीज़ का जवाब देना आपका काम नहीं है आपका काम नहीं है जो हर किसी की क्वेरीज का जवाब देने लग जाते हो अरे आप पढ़िए दुनिया को बाद में देखना भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए दूसरों के बारे में हम बाद में सोचेंगे क्योंकि जब हम पहले अपने बारे में सोचेंगे अपना कल्याण करेंगे तो दूसरों के बाद तो चाहिए मैं अपने लिए काम करूंगा मैं पैसा कमाऊंगा जब मैं अपने लिए पैसा कमाऊंगा तभी तो मैं डोनेट कर पाऊंगा दान कर पाऊंगा और मैं पहले से अपने लिए काम करूंगा नहीं और मेरे डोनेट करना कहां से डोनेट कर दूंगा तो इस चीज को समझिए फालतू की चैट मत करिए आपस में

केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में हमने आपको बताया कि यह होता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में जब लावा केंद्र से बाहर निकल रहा है कैसे है यहां तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम आगे आपसे बात करेंगे यहाँ तक आप इस व्वालामुखी का एक स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं फिर हम सब लोग जो आगे आपसे बात करते हैं और हम कैसे बात करेंगे एक स्ट्रक्चर इस भी इसका आपको बना करके दिखा दे रहे हैं अगर स्क्रीन शॉट नहीं लिया है तो आप सब इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ओके चलिए मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये आ, इस तरीके से कोई भी एक पर्वत श्रृंखला है कोई भी एक पर्वत श्रृंखला इस तरीके से बहुत सारी ये दो तीन पर्वत श्रृंखला हमने आपको यहाँ पर बना दे रहे हैं इस तरीके से ये कोई भी एक पर्वत श्रृंखला सामने कोई भी एक पर्वत श्रृंखला है और लावा जब निकलेगा और लावा जब निकल रहा है तो यहां से ये किसी एक पाइप के माध्यम से ये इस नली के माध्यम से ये लावा यहां से बाहर निकल रहा है ये लावा जो है यहां से इस नली के माध्यम से इस नली के माध्यम से लावा बाहर निकल रहा है इसको तोड़ते हुए बड़े रैपिड गति से बाहर निकल रहा है बहुत ही रैपिड गति से बाहर निकल रहा है तो बस यही है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी यही क्या हमारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी यही है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जहां लावा एक केंद्र से बाहर निकल रहा है लावा एक नली के द्वारा बाहर निकल रहा है ओके okay, सर ले लिया ओके सर मैं तो करती भी नहीं हूँ अब कमेंट खुशबू चौधरी वेरी गुड बेटा नहीं करते हो तो पढ़ाई करो गुड गर्ल गुड मॉर्निंग सर जी उत्कर्ष श्रीवास्तव गुड मॉर्निंग उत्कर्ष जी ओके गुड मॉर्निंग सर ओके शैलेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी ओके okay, विकास तलकर तो यही कहलाते हैं हमारे केंद्रीय उद्गार वाले यानी इसको हम कहते हैं सेंट्रल इप्शन वॉल कैन बात क्लियर एक बार आप फिर से समझ सकते हैं एक बार आप फिर से समझ सकते हैं बेटे कि हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। गायब हो गया ये ठीक है एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं एक बार फिर से आप समझ लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं ज्वालामुखी को लेकर के और सबसे पहले हमने आपको बताया कि ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं एक तो ज्वालामुखी शब्द होता है एक ज्वालामुखी क्रिया होती है एक तो वॉल्केन होता है एक वॉल्केनिज्म होता है वॉल्केनिज्म आपको बताया था अक्सन फ्रॉम अ ए एक्शन फ्रॉम वॉल्केनिक एरप्सन टू कूलिंग यानी ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के कूलिंग तक की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया और जो ज्वालामुखी है उसके बारे में आपको बताया ज्वालामुखी के बारे में कि के वह वह छिद्र वा छिद्र यानी जिससे जिससे क्या ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्फोट में धुआं जलवाष्प कंकड़ पत्थर चट्टानी टुकड़े गैस और लाबा ये सारी सारी चीजें ये सारी सारी चीजें इससे क्या निकलेंगी बाहर निकलेंगी और ये सारी सारी चीजें बाहर निकलेंगी उसके बाद हमने आपको बताया कि वॉल आर टू टाइप्स ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं उद्गार के आधार पर तो आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं नंबर एक केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी नंबर दो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में यहां पर हमने आपको समझाया कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा एक केंद्र के द्वारा बाहर तीव्र गति से निकलता है वेन मैग्मा मूव्स आउट बाय अ सेंटर और ट्यूब स्ट्रक्चर या तो किसी सेंटर के द्वारा या किसी ट्यूब के द्वारा बाहर निकलता है इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा तीव्र गति से बाहर निकलता इन दैट केस द इरप्शन इज वेरी रैपिड और इसका एक स्ट्रक्चर हमने आपको ये बता दिया अब हम आपसे बात करेंगे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी को लेकर के तो अब आप हेडिंग बनाएंगे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी क्या हेडिंग बनाएंगे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी अब आपसे बात करेंगे दरारी उद्वेदन दरारी उद्वेदन वाले ज्वालामुखी बात आपसे करेंगे दरारी उद्वेदन वाले ज्वालामुखी के बारे में आपसे बात करेंगे इसको बोलते हैं क्रैक्स इरप्शन बॉलगेनो इंग्लिश में बोलेंगे क्रैक्स इरप्शन बॉलगेनो तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है ओके खुशबू चुपचाप पढ़ लो अभी तो मैं कोई ब्लॉक करवाना चाहते हो ठीक है ओके हाँ ये खुशबू चौधरी के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं खुशबू को भी ब्लॉक करवाना पड़ेगा ठीक है आदर शर्मा ओके आदर शर्मा को भी ओके चलिए आप सब लोग आपस में कैडिंग ना करें इधर ध्यान दें ठीक है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में समझेंगे बेटे ध्यान रखिएगा नाम से पता चल रहा है मेरे बेटे कि दरारी नाम से पता चल रहा है दरार यानी कोई भी एक क्रैक्स पड़ गई क्रैक्स कहने का मतलब ध्यान रखिएगा कि जब लावा जब लावा किसी दरार के माध्यम से जब लावा किसी दरार के माध्यम से किसी दरार के माध्यम से बाहर निकलता है बाहर निकलता है जब लावा जब लावा किसी दरार के माध्यम से बाहर निकलता है तो उसे तो उसे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं तो उसे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं Osionfish. तो उसे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी है कहते हैं और ध्यान रखिएगा इस प्रकार के ज्वालामुखी में 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 लावा लावा कम गति से बाहर आता है कम गति से बाहर आता है कम गति से बाहर आता है और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि विस्फोट की दर भी विस्फोट की दर भी बहुत कम होती है विस्फोट की दर भी बहुत कम होती है यानी इसमें विस्फोट भी जो होता है वो कैसा होता है बड़ा ही स्लो होता है विस्फोट भी कैसा होता है बड़ा ही स्लो होता है कोई बात नहीं खुशबू बेटा आई एम जस्ट किडिंग ओके प्रियंका ओके ओके, 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 कोई बात नहीं आदर्श इधर पढ़ेंगे बेटे कि जब लावा किसी दरार के माध्यम से बाहर निकलता है तो उसे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं और इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा बहुत कम गति से बाहर निकलता है और जो इरप्शन भी होता है वो कैसा होता है वेरी स्लो तो ध्यान रखिएगा इफ मैग्मा कम्स आउट ऑफ अ क्रैक इट इज कॉल्ड क्रैक्स इरप्शन बॉल गैन हो तो इफ मैगमा कम्स आउट इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं इफ मैगमा इफ मैगमा कम्स आउट इफ मैगमा कम्स आउट बाय अ क्रैक्स बाय अ क्रैक्स सो इसलिए इट इज आल्सो नोन एज इट इज नोन एज इट इज नोन एज क्रैक्स इरप्शन क्रैक इरपन वॉल कैनू क्रैप्स इरप्शन वॉल कैनू क्रैक्स इरप्शन वॉल कैनू एंध्या रखियेगा इन दैट केस इन दैट केस द इप्शन द इप्शन इज वेरी स्लो इज वेरी स्लो इन दैट केस द इरप्शन इज़ वेरी स्लो तो ये है बेटा आपका दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी आदर शर्मा मुझे नहीं ओके सर अपोजिट होगा केंद्रीय वाले का बिल्कुल सही है सर ये दरारी उद्भेदन कौन सा है बताएंगे इसको सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है इसके बारे में बताएंगे विकास ही बस बने रहिए हमारे साथ अटलांटिक महासागर में एक खुशबू ये बहुत बड़ा क्या कह रहे हैं पता नहीं अटलांटिक महासागर में है एक ओके okay, चलिए बैरन इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे नहीं बेटा बैरन दुनिया का सबसे ऊंचा सक्री ज्वालामुखी नहीं है इसके बारे में आपसे बात करेंगे तो दरारी उद्योग बस विश्वास रखिए कि ना मैं विकास तलर मेरे बेटा विश्वास रखिए आप जो पॉइंट नहीं जानते हैं उनको भी कराएंगे और जो आप जानते हैं वो तो हंड्रेड परसेंट कराएंगे आप निराश होकर के नहीं जाएंगे यहाँ से पढ़ करके आप हम पर भरोसा रखिए राम राम सर जी ओके और देखिए इतनी देर से क्लास चल रही है केवल नाइन्टी फोर लाइक्स हैं केवल नाइन्टी फोर लाइक हैं सभी लोग मिल करके सबसे पहले थोड़ा वीडियो को शेयर करिए और लाइक की संख्या थोड़ा बढ़ाइए देखिए कितने कम लोग लाइक हैं इसी से तो थोड़ा सा हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हाँ कितने बच्चों ने हमारी वीडियो को लाइक किया हमें पसंद किया लाइक करने का मतलब ऐसा नहीं है इससे हमें आप

जैसे हम मान लेते हैं कि दरारी उद्भेदन का मतलब है कि मैंने मान लिया कि यह कोई एक सरफेस है यह कोई भी क्या है बेटा यह कोई भी क्या है एक सरफेस है मान लेते हैं यह सरफेस है हमने एक सरफेस मान लिया इस तरीके से यह कोई भी एक सरफेस का टुकड़ा है कोई भी जमीन का टुकड़ा यह क्या है सरफेस है धरातल है धरातल सरफेस ये सरफेस का टुकड़ा है और ध्यान रखिएगा इस सरफेस के टुकड़े से ही इस सरफेस के टुकड़े से ही मान लेते हैं यहाँ से ये कोई एक दरार पड़ गई ये कोई एक दरार पड़ गई और इस दरार पड़ने से इस दरार पड़ने से यहाँ से अब ये मैग्मा बाहर निकल रहा है ये मैग्मा इस तरीके से बाहर निकल रहा है ये मैग्मा इस तरीके से बाहर निकल रहा है इस दरार के माध्यम से इस दरार के माध्यम से ही ये क्या है ये लावा बाहर निकल रहा है ये लावा इरप्ट हो रहा है ये लावा इरप्ट हो रहा है लावा इरप्ट किसको हो रहा है इस दरार के माध्यम से ये क्या है मान लेते हैं ये कोई भी एक क्रैक है ये कोई भी क्या है बेटा ये एक क्रैक्स है ये कोई भी एक क्रैक है ये कोई भी एक दरार है इस दरार के माध्यम से ये लावा बाहर निकल रहा है इस दरार के माध्यम से लावा बाहर निकल रहा है तो यही कहलाता है हमारा दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी इसी को हम कहते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी बात क्लियर है बेटे इसी हम कहते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करेंगे फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं आपस में कमेंट ना करें ओके प्रियंका ओके खुशबू यस बेटा खुशबू का कमेंट है देखो कितना शानदार कमेंट किया है गधे कहीं के सब पे सब फालतू कमेंट करते हैं खुशबू बेटा ने बहुत शानदार प्रश्न पूछा है वेरी गुड खुशबू बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू कितना बढ़िया इसने शानदार प्रश्न पूछा है कि सर फिर तो ये दरारी उद्भेदन वाले ज्वालाम की ज्यादा बड़े नहीं होते होंगे कितना शानदार कॉन्सेप्ट उसने प्रश्न पूछा है उसने दिमाग लगाया बिल्कुल सही है बेटा खुशबू कि यहाँ पर बेटा क्योंकि ये दरार के माध्यम से निकलेंगे तो ज्यादा बड़े नहीं होंगे कम होंगे लावा बहुत कम निकलेगा वेरी स्लो निकलेगा विस्फोट की दर भी कैसी होगी कम होगी विस्फोट की दर भी की कैसी होगी कम होगी विस्फोट की दर भी कैसी होगी बहुत कम होगी और लावा भी बहुत कम निकलेगा वेरी गुड बेटा ओके रिंकू यादव टेक्टोनिक प्लॉट किसने होता है उद्गार फिर वहाँ माउंटेन भी बन जाते हैं सही बात है ओके अंजलि ठाकुर सर ये क्रैक कैसे बनती है बेटा क्रैक ऐसी बनेगी ना अंदर से दबाव पड़ेगा अंदर से लावा खुद दबाव लगाएगा अंदर से लावा खुद दबाव लगाएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालाम की पर्वत कौन सा विकास नहीं मानेगा भाई ये ओके खुशबू चौधरी जी सर थैंक यू सर ओके तो यहां तक आपका ये कमेंट और यहां तक क्लियर हो गया होगा आप इसको जो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं अब हम सब लोग जो आगे बढ़ेंगे अब हम सब लोग जो आगे बढ़ेंगे ठीक है हाँ यस ओके ओके okay, यस yes, बेटा खुशबू बेटा ओके ओके चलिए यहां तक ये बात क्लियर है एक बार सभी लोग मिलकर के थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सभी लोग मिलकर के एक बार बहुत कम बच्चे वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पर बेटा यह बात आपकी समझ में आ गई कि दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी क्या होते रखेगा तो हमने सबसे पहले समझा था हमने ज्वालामुखी को दूसरी बार हमने समझा था ज्वालामुखी प्रक्रिया को या ज्वालामुखी क्रिया को तीसरी बात हमने समझा था ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में अंतर

क्रैक ओरिजिन बोल या क्रैक इरप्शन बोल उन दोनों के बारे में डायग्राम से थ्योरी के माध्यम से भी आपको समझा दिया अब हम आपसे बात करेंगे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार ऑन द एक्टिवनेस किसके आधार पर सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार आप हेडिंग डालेंगे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार वॉल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवनेस उनके एक्टिवनेस के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार तो ध्यान रखिएगा सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं सक्रियता के आधार पर सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बेटा तीन प्रकार के होते हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं कैसे तीन प्रकार के होते हैं तो नंबर एक होते हैं जिनको हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्टिव वॉलगेनो क्या कहते हैं एक्टिव कैनो दूसरे होते हैं ध्यान रखिएगा इनको हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी प्रसुप्त या जिनको हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरे हमारे होते हैं जिनको हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी क्या कहते हैं मृत ज्वालामुखी और इसी को हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या कहते हैं एक्सटिंग वॉल इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट बॉल क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट इसको इंग्लिश लिख देते हैं यहां पे ये होता है एक्सटिंक्ट बॉल और ये होता है हमारा डोरमेंट वॉल डोरमेंट डोरमेंट वॉल तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवनेस वॉल आर थ्री टाइप्स नंबर फर्स्ट एक्टिव बॉल नंबर सेकंड डोरमेंट वोल्केनो नंबर थर्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो <coughs> हिंदी में इसको कहेंगे नंबर एक सक्रिय ज्वालामुखी और नंबर दो प्रसुप्त या सुसुप्त एक ही शब्द है नंबर तीन मृत ज्वालामुखी यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिए बाकी हम आगे आपसे बात करते हैं सर पर्सन का जवाब दो पर्सन का जवाब दें ठीक है रिंकू यादव एक्टिव तो डेड बॉल गैन ओके हाँ ये सब इसको एक्सटिंग डेड बॉल गेन बोल सकते हैं खुशबू चौधरी एक्टिव बॉल गेन डॉर्मेंट वॉल गेनो एक्सटिंग वॉल गेनो बिल्कुल सही बेटा निवेदता स्वरू का भी बिल्कुल सही है निवेदता स्वरू का भी बिल्कुल सही है ओके

सबसे पहले आप हेडिंग सक्रिय ज्वालामुखी ज्वाला ज्वाला बात करेंगे okay, sir, कहां मिलेगा? से मिल जाएगा मैं उसको आपको डलवा दूंगा ओके okay, सक्रिय ज्वालामुखी में आप सब लिखेंगे बोल रहा हूं आपको सक्रिय ज्वालामुखी में सक्रिय ज्वालामुखी में आप लिखेंगे कि ऐसे ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा निरंतर निकलता रहता है ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा निरंतर निकलता रहता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं इंग्लिश में लिखेंगे वॉलगेनोज फ्रॉम विच लावा कंटिन्यूस कंटिन्यूसली कंटिन्यूस कंटिन्यूसली वॉलगेनो आर विच टाइप लावा कंटिन्यूस कंटिन्यूसली यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा लगातार निकलता रहता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं और ध्यान रखिएगा दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें कि वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से भी अधिक है वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से भी अधिक है इन प्रेजेंट देयर आर मोर 500 प्लस एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड देर आर या लिख सकते हैं आप इन प्रेजेंट देर आर मोर 500 प्लस एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड वर्तमान में दुनिया में 500 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं बात क्लियर है ओके ओके थैंक यू वेरी मच खुशू बेटा इतना बढ़िया शानदार कमेंट करने के लिए थैंक यू बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा मैं उस ऊपर वाले से भगवान से दुआ करता हूँ आप बहुत जल्दी सफल हो बहुत जल्दी आपको आपकी वर्दी प्राप्त हो आप लेफ्टिनेंट के पद पर, पर चयनित हो बहुत सारी शुभकामनाएं ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे लिए मेरी तरफ से आपके लिए ओके ठीक है ओके प्रियंका बेटा आ, हो जाते हैं क्या करने लावा धरती के अंदर से निकलेगा तो बस ये सारी सारी कंडीशन है अब ध्यान रखिएगा एक्टिव बोलगे पर आपने लिख ली अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे इसके उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है इसके उदाहरण यानी इसके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है कैसे इसके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे पहला एक एग्जाम्पल एक एक है माउंट एटना दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा स्ट्रामबोली तीसरा इसका आधारण हो जाएगा ध्यान रखिएगा किलायु किलायु ध्यान रखिएगा माउंट एटना कहां पर है तो ध्यान रखिएगा माउंट एटना है द्वीप सिसली द्वीप और ये द्वीप कहां पर है इटली में कहां पर है इटली में तो सिसली द्वीप इटली में स्ट्राम्बोली कहां पर है स्ट्राम्बोली है लेपारी द्वीप ये लेपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली और ये भी कहां पर है इटली में यह भी कहां पर है इटली में और किलायु कहां पर है हमारे हवाई द्वीप अमेरिका कहां पर है ये हमारे हवाई द्वीप क्या है हमारा ये हवाई द्वीप अमेरिका हवाई द्वीप अमेरिका तो आप इसको नोट करेंगे आप इसको नोट करेंगे इसके एग्जाम्पल को के अगर अगर हम आपसे सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण को लेकर के बात करेंगे तो नंबर एक जिसमें हमारा हो जाएगा इसको हम कहते हैं माउंट एटना स्ट्राम्बोली किलायु माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो माउंट एटना कहाँ पर है इटली के सिसिली द्वीप पर स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे लिपारी द्वीप इटली पर स्थित है किलायू एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है और ध्यान रखिएगा स्ट्राम्बोली को ही हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसी को हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अ लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी आप इसको इंग्लिश में लिख लेंगे लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं किसको इंगोली को हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन शी ध्यान रखिएगा दूसरा अगर बात करेंगे किलायु की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा किलायु वर्तमान में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु की अगर बात करें तो वर्तमान में दुनिया का वर्तमान में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वर्तमान में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है मोस्ट एक्टिव वॉलगेनो इन द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉलगेनो इसका मतलब है कि सक्रिय तो और भी है लेकिन ये सबसे ज्यादा सक्रिय है इसमें से लावा बहुतायत मात्रा में निकलता है तो ये सबसे ज्यादा सक्रिय किलायु जो है कौन सा है किलायु जो है और है कहाँ पर ये हवाई द्वीप पर स्थित है कहाँ पर है हवाई द्वीप पर स्थित है और हवाई द्वीप अमेरिका का है और आप इसको अच्छे से जानते हैं हवाई द्वीप के बारे में आप जानते हैं कि जो हवाई द्वीप है वो अमेरिका का पचासवां प्रांत है हवाई द्वीप अमेरिका का पचासवां प्रांत है अमेरिका का पचासवां प्रांत है जो 1960 में अमेरिका का उस पर ऑक्यूपाई हो गया आधिपत्य हो गया और 1960 से पहले हवाई द्वीप का हिस्सा हवाई द्वीप किसका हिस्सा था फ्रांस का हिस्सा था यह भी आप कुछ अतिरिक्त जानकारी ले लीजिए कि किलायू जो है हवाई द्वीप अमेरिका पर स्थित है और हवाई द्वीप इज द फिफ्टी प्रोविंसेस ऑफ अमेरिका पचासवां प्रांत है अमेरिका का जो 1960 में अमेरिका का पचासवां प्रांत बना था कौन सा पचासवां प्रांत बना था 1960 से पहले हवाई द्वीप पर किसका कब्जा हुआ करता था फ्रांस का कब्जा हुआ करता था बात क्लियर है तो ये इसके तीन एग्जाम्पल हो गए और अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसके अन्य एग्जाम्पल है जिसमें एक है मोनालोआ कौन सा मोनालोआ मोनालोआ भी क्या है एक सक्री ज्वालामुखी है मोना लोआ मोना लोहा भी क्या है बेटा मोना लोहा भी एक सक्रिय ज्वालामुखी ध्यान रखेगा और ये भी कहाँ पर स्थित है हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है कहाँ पर अमेरिका में ही स्थित है ये कहाँ पर है हवाई द्वीप अमेरिका ये भी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है तो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है मोनोलोआ और मोनोलोआ के बारे में एक प्रश्न पूछा जा सकता है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएगा मोनोलोहा कौन सा हो जाएगा मोनोलोहा कहने का मतलब यह आकार के आधार पर आकार के आधार पर बड़े आधार पर आकार के आधार पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा मोनोलोहा क्या हो जाएगा मोनोलोहा और ज्यादा ही सक्रिय हो ऐसा हो जाएगा किलायु ऐसा कौन सा हो जाएगा किलायु विकास तेरा कमेंट जरूर बताऊंगा बेटा चाहे कुछ भी हो जाए और तीसरा स्ट्रामबोली स्ट्रामबोली और चौथा माउंटेटना ये चार आप उदाहरण

ओजोस डेल सलाडो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिखते हैं। ओजोस 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 डेल 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 सलाडो, सलाडो। सलाडो और ये कहां पर है? तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है <coughs> यह चिली और अर्जेंटीना चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है इट इज सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना किसकी बाउंड्री पर है ये बाउंड्री है चिली देश की और एक बाउंड्री है अर्जेंटीना देश की तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ चिली ऑफ अर्जेंटीना की सीमा पर ध्यान रखिएगा यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है यही है विश्व का यह विश्व का यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है हाइएस्ट सिचुएटेड एक्टिव बॉल गैनो हाइएस्ट सिचुएटेड एक्टिव बॉल एक्टिव बॉल हाइएस्ट सिचुएटेड एक्टिव बॉल गेनो छः हज़ार आठ सौ तिरानवे मीटर की पर स्थित है इसकी ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं इसकी ऊंचाई है छः हजार आठ सौ तिरानवे मीटर कितनी है छः हज़ार आठ सौ तिरानवे मीटर तो इसकी ऊंचाई है ओजोस डेल सलाडो की ऊंचाई है छः हज़ार आठ सौ तिरानवे मीटर्स की ऊँचाई है बात क्लियर है बेटा यहाँ पर छः हज़ार आठ सौ मीटर्स की ऊँचाई है ठीक है तो ओजोस डेल ओजोसराडो की बात करेंगे कि यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है हाईएस्ट सिचुएटेड एक्टिव बॉल है यह ध्यान रखना और अगर इसकी बात करेंगे इसकी ऊंचाई होगी छह हजार आठ सौ तिरानवे मीटर बात क्लियर है कुछ और इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं आप इसका स्क्रीन शॉट आपने ले लिया होगा कुछ और इसके एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं चोड़ी। चोड़ी। बस मिनट एक बसेंड में छोड़ दीजिए क्लास क्लास होती है आपको स्टूडियो से लेनी नहीं थी पता होगा चलिए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ तक ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे, सारे है के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे किसके सक्रिय ज्वालामुखी के सारे के सारे उदाहरण हैं और इससे आगे की जो भी चीज़ें हैं इससे आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम आपसे कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार